हेलो एवरीवन आई एम यू आर वाचिंग परचम आज के सेशन में ज्योग्राफी से एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हम टच करने वाले हैं एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म्स यस ये अपने आप अप में बहुत बड़ा एक एरिया है क्योंकि ज्योग्राफी में इन्यूमिर टर्म्स होती हैं आज के सेशन में हम लिमिट करेंगे वाटर बॉडीज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज तक सो वाटर बॉडी ओशन हो सी हो रिवर हो लेक पौंड हो उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स होंगी वो सब हम डिस्कस करेंगे एंड लेटम सिर्फ डेफिनेशन तक लिमिटेड रहने की आ, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल ऑफ दीज बॉडीज दैट वी हैव रिटर्न ओवर य क्या होता है बे गल्फ से कैसे, डिफरेंट होता है, लगून से कैसे डिफरेंट होता है लगून लेक में क्या फर्क होता है स्ट्रेट चैनल केनाल आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है किस तरह से बनती है ये वाटर बॉडीज सो इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग एमसीक्यू और यू आर गोइंग फॉर आंसर राइटिंग उन सभी एरिया से आज का जो ये सेशन होने वाला है काफी यूजफुल होने वाला है इवन इफ यू आर अ बिगिनर इन ज्योग्राफी अभी आप टर्म्स समझना शुरू कर रहे हो या फिर हो सकता है आप एक साल से पढ़ाई कर रहे हो पर बहुत से स्टूडेंट्स को फिर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज को लेकर के कंफ्यूजन रह जाता है सो so, आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है इफ यू आर अ बिगिनर तो आपको ये सारी टर्म समझ में आ जाए ताकि जब आप चैप्टर्स में इन कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यू शुड नो कि ओके okay, फ्योर्ड क्या होता है मुझे पता है वेरी मच क्लियर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ बे और गर्ल्फ एक्सेट्रा राइट अगर आप ऑलरेडी तैयारी में हो लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो आज के सेशन के बाद मेरी कोशिश रहेगी कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए ठीक है अच्छा आज हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है बट लाइक आई टोल्ड यू विल यूंग इन टू द डेप्थ सुनामी क्या होती है बस यहाँ तक लिमिटेड नहीं होंगे कैसे बनती है सुनामी कैसे टाइडल वेव से डिफरेंट होती है वेव टाइड टाइड जब आते हैं तो क्यों दोनों तरफ बल्ज होता है अर्थ के दोनों साइड में मून वाली साइड भी क्यों पानी बल्ज आउट होता है ऑपोजिट साइड भी क्यों बल्ज आउट होता है तो काफी कॉन्सेप्ट की डिटेल में भी हम जाएंगे सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल सेशन ना आज जो हम जो भी कुछ पढ़ेंगे उसका पीडीएफ आपको परचम वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा वहां पर सारे पीडीएफ मिलते हैं लेकिन इंडिविजुअल आपको लेने पड़ते हैं बट इफ यू हैव द पीडीएफ बैंक जो आप परचम ऐप से सब्सक्राइब चाहो तो कर सकते हो तो इसमें आपको ए टू जेड जो भी कुछ चैनल पे पढ़ाया जाता है ऑल सब्जेक्ट उसके पीडीएफ एक जगह मिल जाते हैं यू कैन चेक इट आउट चलिए ओके okay, ये भी मैं बता दूं दैट uh, जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं पुराने सब बच्चों को पता है ऑल मैं ज्योग्राफी का सेशन अब बहुत टाइम बाद लेकर के आ रही हूँ बट जो भी पुराने बच्चे उनको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी प्ले लिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्रफी टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड ऑन यूट्यूब तो आपको कहीं से कुछ जाकर के परचेज करने की जरूरत नहीं अगर आप फ्री प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो परचम के ऊपर एम्पल लेक्चर्स आर देर सब बच्चों के लिहाज से आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो सेकेंडली इंडियन ज्योग्राफी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करवा दिए गए हैं राइट एंड ऑफ कोर्स पेड कोर्सेज आर ऑल्सो देर उसके लिए आप परचम ऐप चेकआउट कर सकते हो बट आज हम फोकस करते हैं वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे विच इज इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स और फोकस रहेगा वाटर बॉडीज पे ठीक है चलो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे ओशन महासागर ओशन हम सुनते हैं ठीक है ओशन होता है आ, सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है जो अर्थ पूरे ग्लोब पे फैली हुई होती है यस बिल्कुल उसी महासागर की आज बात कर रहे हैं बेसिक से शुरू करेंगे एक 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 एक, 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 एक इंपॉर्टेंट टर्म लेते चलेंगे तो ओशन को समझना भी जरूरी है अब इसके लिए सबसे पहले मैप देख लेते हैं जोग्राफी बिना मैप्स बिना पिक्चर्स के नहीं समझी जा सकती है ना अब ये अगर हम ग्लोब जो होता है उसको अगर हम खोल दें और टू डायमेंशन में देखें तो इस तरह का आपको कुछ इमेज देखने को मिलेगा अब ये जितना भी ब्लू एरिया आपको यहाँ दिख रहा है दिस इज नोशन तो ओशन को हमने अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव से चार या पांच नाम दे दिए हैं जैसे कि हमने पेसिफिक ओशन नाम दे दिया जो अमेरिका और एशिया के बीच वाला पानी है ठीक है हमने नाम दे दिया अटलांटिक ओशन जो नॉर्थ साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का पानी है हमने नाम दे दिया इंडियन ओशन जो की अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का पानी है और ऊपर जो आता है उसको हमने आर्टिक ओशन नाम दे दिया और कई कंट्रीज एंड नेशनल के मिलता है तो कुछ बॉडीज चार को कुछ बॉडीज पांच ओशन को रिकोगनाइज करती हैं लेकिन अगर देखा जाए ये सब एक कॉमन ग्लोबल बॉडी है और बीच में क्योंकि लैंडमार्क आ गए पानी आपस आप में एक दूसरे से डिवाइड हो गया है तो एक नो बॉडी ऑफ वाटर नेचर भी सारे ओशन का मोर और लेस ऑफकोर्स टेम्परेचर एंड उसके हिसाब से वहां के ऑर्गेनिजम्स एंड एवरीथिंग वेरी लेकिन अगर आप बात करोगे खारा पानी समुद्र का जो हम बोलते हैं महासागर का जो हम बोलते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी हर ओशन में देखने को मिलेगी पेंजिया जब टूटा और बिखरा तो बीच बीच में ये वाटर ब्लॉक हो गया था है ना इसलिए हमने नाम अलग अलग दे दिया तो अब इसी कॉन्टेक्स में समझिएगा ओशन को ओशन को जब हम बोलते हैं तो ये कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर है है ना ये आपको पता है लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें कई बार जानी हुई चीजों को इलेबोरेट करना होता है वहां हम मात खा जाते हैं हमें पता नहीं होता अच्छा ऑप्शन मुझे पता है क्या होता है पर मैं इसको लिखू किस तरह से राइट या अगर मेरे को एम में तीन ऑप्शन दे दिए गए हैं और वो कंफ्यूजिंग टर्म्स है तो मैं किस तरह से पिक करूं तो इसलिए डी सेंटेंसेज बिकम इम्पॉर्टेंट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं तो एक कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर है कंटिन्यूअस है सॉल्ट वाटर है दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आ गई हमारे लिए ठीक है जो कि एक इनॉर्मस बेसिन ऑफ अर्थ सरफेस के ऊपर भरा हुआ है बेसिन क्या होता है जो कि एक डिप्रेशन आप समझ लीजिए अगर नॉर्मल लेवल जो है सरफेस का ये है और ये लेवल नीचे गया हुआ है हम इसको कह देंगे बेसिन ठीक है तो इस बेसिन में जहां जहां पे भी लैंड नॉर्मल से नीचे गया हुआ होगा वहां पानी भरा हुआ है और ये बहुत ह्यूज लेवल पे भरा हुआ है कंटिन्यूस बॉडी की तरह से पूरा सॉल्ट वाटर इस इनॉर्मस बेसिन ऑफ अर्थ सर्फिस में भरा हुआ है उसको हम ओशन कहते हैं यहां तक की बात समझ में आ गई नाउ लाइक आई वॉज टेलिंग यू इट इज इट मेक्स वन ग्लोबल इंटरकनेक्टेड बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर ऐसा नहीं है पेसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन आपस में मिक्स नहीं होते ऑफकोर्स होते हैं स्ट्रेट्स ये काम करते हैं है ना स्ट्रेट्स का काम है अभी हम पढ़ेंगे uh, जो वाटर करंट्स होते हैं उनका ये काम होता है वो मिक्सिंग करवाते हैं पानी की सो इट इज इंटरकनेक्टेड बॉडी ना इट इज डीपर देन सी अभी नेक्स्ट स्लाइड में जब हम sea पढ़ेंगे तब हम ओशन और सी का डिफ्रेंसिएशन देखेंगे पर अगर हम बात करें ओशन महासागर और सागर यानी सी की तो ये दोनों कैसे डिफरेंट है एक छोटी सी बात करें तो ओशन बड़ा भी होता है और डीपर भी होता है देन द सी एवरेज अगर हम डेप्थ की बात करें ओशन की तो अराउंड थर्टी सेवन हंड्रेड मीटर एवरेज डेप्थ मानी जाती है अगर हम सारे ओशन की डेप्थ अभी तक जितनी पता लगाई गई है काफी सारा पार्ट ओशन का अभी तक डिटेक्ट ही नहीं किया गया सिर्फ टेन परसेंट अर्थ का फ्लोर जो है उसको हम मैप कर पाए कि इसकी डेप्थ कितनी है ओके चलो यहीं पे पहला क्वेश्चन आपसे करूं सबसे डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का अभी तक जो पता लगाया गया है वो कौन सा है और कितना डीप है ठीक है पहला क्वेश्चन आपके लिए है चलिए आंसर आता है तो करिए गूगल करके ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए है, क्योंकि जब कभी भी एक्टिवली किसी चीज को सर्च करते हो वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में रुक जाएगी और नहीं पता तो वेट कीजिए आगे आने वाले सेशंस में नहीं तो बच्चों के कमेंट्स में आपको आंसर मिल जाएगा नहीं तो मैं आपको आंसर दे दूंगी ठीक तो है तो एवरेज जो डेप्थ है थर्टी मीटर है लेकिन सिर्फ टेन अभी तक हम फ्लोर का ही पता लगा पाए डेप्थ का तो ओशन के बारे में मोटा मोटा पता चल गया एक ग्लोबल बॉडी है जो कि ऑफकोर्स हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं फाइव ओशंस में फोर मिलेंगे लेकिन अगर हम आज की बात करें हम फाइव ओशंस को रिकोगनाइज किया जाता है एंड सॉल्ट वाटर की बॉडी है जो कि इनॉर्मस बेसेंस ऑफ अर्थ में फैली हुई है ठीक है ये सब आपने देख लिया अब आगे चलते हैं सी की बात करते हैं क्या होता है सी जैसे हम अरेबियन सी सुनते हैं इंडिया के इंडियन पेनसुला जो है इस तरफ अरेबियन सी आती है इस तरफ बे ऑफ बंगाल आता है तो ये सी क्या है और ये महासागर से डिफरेंट कैसे इंडियन ओशन से इंडियन ओशन से अरेबियन सी कैसे डिफरेंट है ये है इंडियन ओशन ये है इंडियन ओशन और ये है अरेबियन सी इन दोनों में डिफरेंस क्या है हाउ दीज टू बॉडीज आर डिफरेंट राइट एक डिफरेंस तो है कि ओशन बड़ा होता है सी छोटा होता है क्या और भी कोई डिफरेंस है वो जल्दी से देख लेते हैं चलिए पेन so अगेन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सबसे पहली चीज सीज स्मॉल होती हैं, है ना तो सी जैसे अरेबियन सी हमने बात की इंडियन ओशन से स्मॉल होगी मेडिटेनियन सी अटलांटिक स्मॉल होगी ओके और यूजली लोकेटेड वे लैंड एंड ओशन मीट ये इंपॉर्टेंट बात है अब देखो जो ओशन होता है महासागर होता है उसका ऐसा नहीं कि वो इनक्लोज बॉडी है लैंड के बहुत पास है नहीं ये भी पूरा पेसिफिक ओशन है है ना ये पूरा एरिया भी पैसिफिक ओशन है आसपास कोई जमीन नहीं दिखेगी आपको पर यह ओशन है लेकिन जब ओशन लैंड के पास पहुंच जाता है जैसे जब ये अटलांटिक ओशन इधर आइलैंड्स के पास या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पास पहुंच जाता है तो कैरेबियन सी कहलाता है नाम हमने ही दिया है एरिया के हिसाब से दे दिया जब आज रब फीचर वर्क नहीं कर रहा है तो आई एल बी इरेजिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन जब इंडियन ओशन इंडिया और अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के आसपास पहुंच जाता है तो इस बॉडी को अरेबियन सी हम कह देते हैं तो सी अगर आप देख पा रहे हो कि ओशन है लैंड से दूर दूर वाला एरिया लेकिन जैसे हम लैंड के थोड़ा पास पास पहुंचते हैं लैंड के हिसाब से उस वाटर को उसी ओशन वाटर को कोई ना कोई सी का नाम दे दिया जाता है तो जहां भी ओशन लैंड से मीट करेगा वेर एवर ओशन लैंड उसके आसपास वाले वाटर को सी नाम दिया जाता है और वो भी अपने आप में काफी बड़ा होता है ठीक है यहां तक भी बात समझ में आ गई देन सीज आर पार्शली इनक्लोज अब यहाँ एक वर्ड डाला गया टिपिकली देखो जोग्राफी में ना आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा एप्सोलूट नहीं मिलेगी जैसे आप बोलोगे कि बे और गर्ल्स जब हम पढ़ेंगे या फिर हम जब सी और ओशन की बात करते हैं तो कुछ सी ओशन की एवरेज डेप्थ से भी ज्यादा गहरी है तो हम बिल्कुल एप्सोलूटली नहीं बोलते कि ऑलवेज द सी इज शैलोअर देन ओशन नहीं कुछ सी ऐसी होंगी जो ओशन से भी डीप हो सकते हैं कुछ लेवल्स पे कुछ बे ऐसे होंगे जो गल्फ से भी बड़े हो सकते हैं तो एप्सोल्यूट नहीं है इसलिए हम टिपिकली जनरली मोस्टली ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये अभी भी एक्सप्लोर हो रही हैं चीजें डेफिनेशन कहीं ना कहीं पे ओवरलैपिंग होती हैं कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं पे ओवरलैपिंग होते हैं इसलिए ये जो टर्म होती है ना ये सेव कर लेती है हमें अगर हम सीधा सीधा लिखते ना सीज आर पार्शली एनक्लोज नॉट ऑलवेज जैसे कि सार्गासो सी के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी जहां सारगासम जो ग्रास होती है उसकी वजह से वो सी डिफाइन कर दी गई पर वो लैंड से दूर है एनक्लोज नहीं है ठीक है तो इसलिए टिपिकली वर्ड जनरली मोस्टली ऐसे वर्ड्स आप देखोगे कंफ्यूज नहीं होना है इनसे ये यूज किए जाएंगे सो अब देखिए पहला डिफ्रेंस आ गया सी छोटी होती है लैंड और ओशन जहाँ मिलते हैं वहां पर सी या समुद्र हम बोलते हैं देन पार्शली एनक्लोज होती है यूजली एक्सेप्शन क्या है लाइक आई वॉज टेलिंग यू अब मैं ये आपको दिखा देती हूं, ये आप देख सकते हो दिस इज द अमेरिकाज वो नॉर्दर्न है सदर्न अमेरिका है और ये येरेबियन वाला हिस्सा है यहाँ पे ये लाइट कलर का अगर आपको दिख रहा है वाटर हल्का सा नहीं तो मैंने मार्क कर दिया है एटलांटिक ओशन में ही ये वाला हिस्सा अब ये लैंड से दूर है लैंड को एनक्लोज करते हुए पास में नहीं है जैसे कि कैरेबियन सी आप देखोगे तो ये ये पूरा हिस्सा कैरेबियन सी के अंडर में लैंड के टच करता हुआ भी लेकिन सो, सी जो है वो लैंड से काफी दूर है फिर भी ये सी कहलाती है बिकॉज़ ये डिमार्केटेड है अलग से यहां की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है। है तो बिहेव करती है इसलिए तो हमने कहा यूजली टिपिकली जो सीज होती है वो पार्शली एनक्लोज होती है आसपास उनके लैंड आ जाता है ठीक है हर केस में हमने देखा पीछे चलिए ये देखिए अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी के आसपास इतना लैंड आ गया है अगर हम ईस्ट चाइना सी की बात करें ये रही ईस्ट चाइना सी तो आसपास लैंड आ गया है साउथ चाइना सी आसपास लैंड आ चुका है मेडिटेरेनियन सी लैंड से घिरी हुई ही है एक्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है है ना उससे पानी मिक्सिंग होता रहता है इसी तरह से कैरेबियन सी तो सब लैंड के यूजअली पास पास होती है ये पॉइंट भी समझ में आ गया आगे चलते हैं देन वर्ड का इस्तेमाल मैं समझा चुकी हूं जनरली मोस्टली टिपिकली ऐसा क्यों यूज करते हैं ठीक है तो अधिकतर केसेस में जो सी होती है वो ओशन से शैलो होती है यानी उथली होती है उतनी डीप नहीं होगी जितना ओशन डीप होगा ओके okay? एक्सेप्शन है कैरेबियन सी यही कैरेबियन सी जो अभी आपने यहां पे देखी है है ना दिस इज कैरेबियन सी कैरेबियन सी की जो डेप्थ है वो एवरेज डीपेस्ट मानी जाती है सी के अगर हम बात करें सारी सीज में से डीपेस्ट सी अगर वर्ल्ड में मानी जाती है कैरेबिन सी मानी जाती है और उसकी डेप्थ है सेवन सिक्स एट सिक्स मीटर्स जो कि एवरेज डेप्थ जो ओशन की उससे काफी गहरी है ये राइट तो ये मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं सी स्मॉल होती है कंपेयर टू ओशन लैंड के आसपास होती हैं जबकि ओशन लैंड से बहुत दूर भी हो सकता है शैलोअर होती हैं राइट तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है डिफ्रेंसिएशन के आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा यू कैन ऑफकोर्स पुट एग्जाम्पल्स जहां कहीं भी आप एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल भी डाल दोगे अपने आंसर्स में आपके आंसर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जहां कहीं भी आप डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर पाओगे वहां आपके आंसर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जहां कहीं भी आप बुलेट्स मार्क कर दोगे उसमें मेन चीजों को अंडरलाइन कर दोगे आंसर स्ट्रांग हो जाते हैं सो so, ये सब आंसर राइटिंग के तरीके हैं अदरवाइज भी मैंने आपको चीजें बता दी हैं चलिए तो ये तो था बिल्कुल सिंपल सी बच्चों वाली बात है ना अगर आप जोग्रफी शुरू कर रहे हो थर्ड फोर्थ में भी अगर पढ़ाना शुरू किया जाता है ओशन क्या होता है सी क्या होता है रिवर क्या होता है लाइक दैट तो अब हम आ जाते हैं थोड़े से और एडवांस कॉन्सेप्ट अच्छा आई हैव लिटरली फोटन टू इनकॉपरेट हिंदी टर्मिनोलॉजी मैंने सोचा था कि मैं इनके साथ साथ में इनके हिंदी के नाम भी लिख दूंगी ताकि क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं जो देखते हैं बट आई रियली अपोलोजाइज अब आप बस एक मेहनत कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेटर से बे को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा आपको पता पड़ जाएगा इसको क्या कहते हैं ठीक है चलिए अब देखो पहले तो बे का डायग्राम देखो ये आसपास आपको दूर तक ये सारा ओशन वाटर दिख रहा है है ना ये सी भी हो सकती है जरूरी नहीं ओशन हो ये सी भी हो सकती है ओशन भी हो सकता है और उसी का कुछ हिस्सा बीच के पास तक आ रहा है और एक टिपिकल शेप लिए हुए है विच इज लाइक अ सेमी सर्कल राइट तो आप ऐसे समझिए वॉट इज अ बे बे एक एक्सटेंशन है जैसे जो नॉर्मल अगर लैंड नहीं होता तो ओशन का वाटर या सी का वाटर नॉर्मल खुला होता लेकिन लैंड के अंदर जब एक इनलेट बन जाता है इनलेट यानी जमीन के अंदर घुस के पानी आ गया है ये नॉर्मल वाटर था लेकिन अब ये वाटर यहाँ पे था लेकिन अब ये लैंड आ गया तो या तो लैंड इरोड हो गया है या तो लैंड को पानी ने इरोड करते 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 और ये इस तरह के शेप में ले आया है या फिर कई बार जब टेक्टोनिक एक्टिविटी से दो प्लेट्स अलग हो रहे होते हैं ना तो वो इस तरह से अलग हुए हैं कि एक जगह इस सी या सेमी सर्कल सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन बन गया है डिप्रेशन या फिर एक कैविटी बन गई है और वाटर यहां तक एंटर कर गया है Got it? तो बे क्या होता है? स्मॉल वाटर बॉडी स्मॉल वाई किसके कंपेरिजन में स्मॉल सी के कंपेरिजन में स्मॉल गल्फ के कंपेरिजन में स्मॉल तो ये सी से भी स्मॉल होगा गल्फ से भी स्मॉल होगा जनरली मोस्टली टिपिकली वर्ड यूज होंगे तो इन दोनों से ये स्मॉलर वाटर बॉडी होती है जो कि से थोड़ा अंदर अलग होकर के आ गई है वेयर लैंड इनवर्ड नॉर्मल लैंड अगर ऐसा होता और यहाँ पे पानी होता तो क्या इसको हम बे बोलते नहीं बोलते जब तक लैंड इनवर्ड नहीं जा रहा वो बे नहीं कहलाएगा ठीक है ये बात समझ में आ गई और जब वो इनवर्ड जाता है लैंड यूजुअली सेमी सर्कुलर में ही जाता है तो ही उसको बे कहा जाता है ये लैंड अगर इस तरह से इनवर्ड गया होता स्टीप तो बे नहीं कहलाता तो गल्फ कहलाता अभी हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में मतलब अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे ठीक है तो ये दो तीन बातें समझ में आ गई पहली बात आपको समझ में आई कि स्मॉलर वाटर बॉडी होती है कंपेयर टू तो सी एंड गल्फ दूसरी बात आपको समझ में आई कि वाटर एक बड़ी बॉडी बॉडी का जब इलोंगेट हो जाता है लैंड के अंदर इनवर्ड चला जाता है और सेमी सर्क्युलर शेप बना लेता है उसको हम बे कहते हैं यहां तक बात समझ में आई अब बे कौन कौन सी वाटर बॉडीज बना सकती है कोई से भी वाटर बॉडी बना सकती है सी भी बे बना सकती है ओशन भी बे बना सकता है लेक्स भी बे बना सकती है यस yes, लेक जो होती है इसका भी मैं आपको बताऊंगी ग्रेट लेक्स है ना अमेरिका की फाइव उनमें से एक लेक है जो कि बे बनाती है और उसी पे फ्रेश वाटर का बोलिए आप या मीठे पानी आ, की जो लेक है उनमें से सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर आइलैंड हम बोलते हैं ना वो भी उसी बे के एज पे है अभी सब देखेंगे चलो सो so, बे क्या है एक वाटर बॉडी जो कि लैंड से सराउंडेड है नंबर वन विच इज सराउंडेड बाय लैंड कितने तरफ कितने तरफ अब यहां देखो दिस इज वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री ये जो फोर्थ साइड है ना दिस फोर्थ साइड दिस इज ओपन यहाँ यहाँ तो आज ना इस फीचर ने बहुत परेशान किया है बिकॉज आज इसकी जरूरत है एंड आई एम नॉट एबल टू यूज इट ये वाला जो साइड है ना अगर आप देखेंगे दिस इज ओपन है ना तो थ्री साइड से लैंड से घिरा हुआ होता है फोर्थ साइड ओपन होती है वाटर के एक्सचेंज के लिए और ये काफी ब्रॉड ओपनिंग है ऐसा नहीं है थोड़ी बहुत हो है ना ऐसा नहीं है कि लैंड बिल्कुल यहां तक आ रखा है नो no, लैंड काफी ज्यादा दूरी पे है लैंड काफी ज्यादा दूरी पे है ओ माय गॉड और यहां से इजीली वाटर एक्सचेंज हो रहा है ठीक है सो वाइड ओपन टूवर्ड्स ओशन और लेक टूवर्ड्स द फोर्थ साइड सो बे क्या है बे एक स्मॉलर वाटर बॉडी है जो कि लैंड से तीन तरफ से घिरी हुई है और ये सी का ओशन का या लेक का एक एक्सटेंशन है जो कि इनवर्ड आ गया है लैंड के तीन तरफ से घिरा हुआ है एक तरफ से ब्रॉडली ओपनड है ये जो वर्ड आप देखेंगे ना अभी अगले स्लाइड में भी आप देख लोगे ब्रॉडली कनेक्टेड और ओपन टू द मेन वाटर बॉडी दिस इज इंपॉर्टेंट बे के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखिएगा बी फॉर ब्रॉड एंड बी फॉर बे नेवर गेट कन्फ्यूज इन दिस एरिया बेज आर ऑलवेज विथ ब्रॉड ओपनिंग ओके चलिए अब हमने दो वाटर बॉडी पढ़ी एक सी पढ़ा एक बे पढ़ा जाहिर सी बात कंफ्यूजन आया होगा कि मैम लैंड के पास तो सी भी आती है, है ना ओशन तो चलो दूर होता है आपने बोला आ आप भी सकता है नहीं भी आए, दूर होता है मोस्टली लेकिन सी लैंड के पास होती है बे भी लैंड के पास है दोनों में डिफरेंस क्या है हाँ तो कुछ ने तो डिफरेंस पकड़ लिया होगा कि जब एक तरह का सी शेप डिप्रेशन या इनलेट बनाएगी सी या ओशन या लेक और उसमें पानी फिल हो गया सच के तीन तरफ से वो घिरा हुआ एक तरफ से ओपन है तो यूजली उसको बे कहा जाएगा ठीक है और क्या डिफरेंस होते हैं वो देख लेते हैं तो सी में और बे में क्या फर्क है सबसे पहला सी इज अ पार्ट ऑफ ओशन महासागर का ही पार्ट है ना सागर जो है ऐसा तो नहीं है सी लेक का पार्ट हो सकता है नहीं सी हमेशा ओशन का ही पार्ट होगा लेकिन बे के, के केस में ऐसा नहीं है बी बे ओशन का भी पार्ट हो सकता है बे सी का भी पार्ट हो सकता है ओके और बे किसी लेक का भी पार्ट हो सकता है तो ये किसी भी बड़ी वाटर बॉडी का एक छोटा हिस्सा हो सकता है ठीक है ये रादर गल्फ एक कोई बड़ी गल्फ है जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी तो एक गल्फ में भी बिल्कुल एजेस पे बेस बने हुए हो सकते हैं बिकॉज बे कंपेरेटिवली काफी छोटी वाटर बॉडी होती है ठीक है तो ये किसी भी बड़ी वाटर बॉडी का पार्ट हो सकता है जो लैंड के अंदर गया है और उसने एक इनलेट बनाया है जो कि सेमी सर्कुलर शेप का है तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ है एक तरफ से ओपन है ओके सीज आर से सागर तो खारा ही होगा मीठे पानी का तो नहीं हो सकता फ्रेश वॉटर का नहीं हो सकता ना सी राइट तो सीज आर कैन बी सेलाइन और और इवन ब्रैकिश वाटर फॉर दैट मैटर बट यूजली सैलाइन या फ्रेश वाटर कंडीशन में आते हैं फ्रेश वाटर बेस कौन से होंगे जो कि लेक्स ने बनाए हैं ठीक है ये रहा वो एग्जाम्पल जो मैं अब आपको दे देती हूँ राइट सो जैसा मैंने कहा सी इज अ पार्ट ऑफ ओशन सीज आर सलाइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अरेबियन सी अरेबियन सी जो गोवा आप जाओगे तो जो आपको पानी आ, ओशन का देखने को हम बोलते हैं ओशन है पर वो अरेबियन सी है है तो अल्टीमेटली इंडियन ओशन का ही पर इंडियन ओशन अरेबियन सी बन के गोवा के तट तक, तक पहुंच रहा है गुजरात का जो आप एरिया देखोगे यहाँ पे भी सी पहुंच रही है हालांकि वो गल्फ के अंदर तक जा रही है बट वो सी है अभी मैं ज्यादा टर्म्स नहीं बोलती हूँ नए वाले बच्चे कंफ्यूज होंगे चलो अब यहाँ पे देखो यहां हम बात कर रहे हैं एक बे की जो कि लेक से बना है तो ये है लेक यूरोन ये कौन सी लेक है लेट मी ट्राई एंड जूम इट फॉर यू इफ आई कैन आई होप थिंग्स आर विजिबल टू यू ओके सो यह है लेक यूरोन दीज आर द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है ना आप होम्स से याद करते हो ना इसको उसमें एच ओ एम ई एस सो ये जो एच यूरोन आती है लेक यूरोन का ही अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो लेक है ना दिस इज लेकॉन और उसी का ये आपको बे बनता हुआ दिख रहा है तो ये रही लेक यूरोन इसी के वाटर ये आगे तक जाएंगे और ये इस तरह से आएंगे अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो बहुत नैरो ओपनिंग है लेकिन ये बीच में क्योंकि मैंटोलिन आइलैंड आ गया इसलिए आपको लग रहा है कि नैरो ओपनिंग है अदरवाइज ये पूरी ओपनिंग ही कंसिडर की जाती है मेक की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है ना वो यही होती है कि अगर बीच बीच में कोई आइलैंड आ रहे हैं उसके माउथ में माउथ यानी वो हिस्सा जहाँ से बे कनेक्टेड है बड़ी वाटर बॉडी से इसको कहा जाता है माउथ तो अगर इसके बीच में कोई आईलैंड आ रहे हैं ना तो भी इस एरिया को हम ओपनिंग कंसिडर करते हैं मैं बिल्कुल ब्रॉडली जनरल टर्म्स में आपको बता रही हूँ बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना जरूरी उतना सब हम समझेंगे बट अदरवाइज बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे वो जब हम चैप्टर कभी पढ़ेंगे तब हम बात कर लेंगे ठीक है तो देखिए ये आ जाता है पूरा बे वॉट इज इट कॉल्ड जोर्जियन बे तो ये नाम ध्यान रखिएगा क्या बे हमेशा सी या ओशन से ही बनते हैं नो बेस कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय अ लेक अग्जाम्पल जॉर्जियन बे विच इज फॉर्म बाय लेक यूरोन ओके okay? और इसी पे आता है मेंटोलिन आइलैंड जो कि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा दुनिया का आइलैंड है गॉट इट अब हालांकि कुछ का अभी भी इस पे विवाद चलता है कि भाई ये इतना बड़ा बे है यूजुअली स्मॉलर पर ये इतना बड़ा है कि इसको एक सेपरेट लेक घोषित कर देना चाहिए फाइव ग्रेट लेक्स की जगह सिक्स ग्रेट लेक्स होनी चाहिए लेकिन अभी तक ऐसा कुछ एस्टेब्लिश नहीं किया गया इसलिए इसको बे ही कंसिडर किया जाता है जॉर्जन बे समझ में आ गया कहा है ये यूरोन ये है लेक यूरोन और इसी ने ये बे बना रखा है फाइन चलिए राइट सो आई होप सी एंड बे के बीच का डिफ्रेंसिएशन मस्ट बी क्लियर टू यू मूविंग अड अब हम आ जाते हैं इसी बे जो हमने अभी बे पढ़ा रिमेंबर oh, 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 so ये जो अभी हमने बे पढ़ा इसी बे से अब हम कंपेरिजन करेंगे गल्फ का किसका कंपेरिजन करना है अब हमें गल्फ का ना गल्फ इज अना वॉटर बॉडी जो कि बे से काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है लेकिन सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन मैं आपको बताऊंगी वो दो तीन पॉइंट से आप कंफ्यूज नहीं करोगे बे क्या होता है गल्फ क्या होता है एटलीस्ट आंसर राइटिंग परसपेक्टिव से या एमसीक्यू मार करने में बंद तो नहीं करोगे कभी जाते हो कहीं तो फिर जरूर कन्फ्यूजन हो सकता है वो अच्छे अच्छे जोग्राफिकर्स को को भी हो सकता है चलो सो so बे और गल्फ ये बे, बे क्या होता है मैंने आपको क्या बताया था सी का ओशन का या लेक का वाटर इलोंगेशन जो कि लैंड के इनलेट गया हुआ हो अंदर गया हुआ हो सेमी सर्कुलर फॉर्म में गया हुआ हो ब्रॉड माउथ हो जो उसको मेन वाटर बॉडी से कनेक्ट कर रहा हो ओके okay? और रिलेटिवली स्मॉल वाटर बॉडी होती है ये अगर आप इसको सी या ओशन से कंपेयर करोगे तो ठीक है चलिए उसी सेंस में वापस से देख लेते हैं बे इज अ ब्रॉड रिसेस्ड कोस्टल इनलेट रिसेस्ड कोस्टल इनलेट क्या होता है ये आपकी नॉर्मल कोस्ट लाइन है और ये रिसेस हो गई है अंदर चली गई है इरोजन की वजह से भी हो जाएगा ना पानी की लहरें बार बार यहां पे अगर दस्तक दे रही है बार बार अगर यहाँ पे अपना फोर्स लगा रही है तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा तो दिस इज हाउ इट विल लैंड अल्टीमेटली राइट तो इस तरह से कोस्टल इरोजन से भी बे बनते हैं और आई टोल्ड यू कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर मूव करेंगी लैंड सेपरेट होंगे तो भी बे बन सकते हैं तो रिसेस कोस्टल इनलेट लैंड कर्व्स 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 इनवर्ड्स इनवर्ड्स इज वर्ड ठीक है यूजुअली सेमी सर्कुलर होंगे गल्फ की अगर हम बात करें अभी इतने पे ही बात करते हैं गल्फ ज्यादा डिफाइंड होता है नंबर वन जैसे कि ये ठीक है भाई ये बे हो गया आपका अच्छा ठीक है ये बे हो गया तीन तरफ से पानी आ, लैंड से घिरा हुआ ये ज्यादा डिफाइंड होंगे यानी थोड़े और अंदर तक गए हुए होंगे या तो ऐसे या फिर बिल्कुल ऐसे ज्यादा डिफाइंड होंगे इनडेंटेड एंड डीपर इनलेट indented यानी और ज्यादा है ना इनडेंट किए हुए, और अंदर तक गए हुए और in, और एंट्रेंस मोर एनक्लोज यहां पे अगर आप एंट्रेंस देखोगे तो काफी ब्रॉड है और यहां पे अगर आप एंट्रेंस देखोगे तो कंपेरेटिवली कम होती है अब कुछ गल्फ आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे सेमी सर्कुलर हो सकते हैं लेकिन माउथ कैसा होगा इनक्लोज होगा बहुत ज्यादा तो एक मेन पहचान होती है बे और गल्फ की अब रिगार्डिंग इट्स माउथ बे के अंदर माउथ बहुत ब्रॉड होता है गल्फ के अंदर जो ओपनिंग होती है माउथ होता है जहां से मेन बॉडी से कनेक्टेड होगा वो कंपेरेटिवली नैरो होगा जो डेप्थ होगी वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगी जो एजेस होते हैं वो कंपेरेटिवली रफ होंगे बिकॉज यहाँ पानी का फोर्स और तेज आता है बिकॉज कम मूवमेंट का स्पेस होता है यहाँ पे ठीक है तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू आगे पढ़ते हैं बे इज यूजली स्मॉलर एंड होगा और लेस एनक्त होगा क्योंकि बे इतना खुला होगा यहीं पे गल्फ को हम बोल सकते इस तरह का होगा गल्फ में ना कई बार आपको एंट्रेंस पे जो इसका माउथ होता है ना वहां पे स्ट्रेट देखने को मिलते हैं स्ट्रेट क्या होते हैं वो अभी हम हालांकि आगे पढ़ेंगे पर समझ लो कोई बात नहीं ये आ, ये वाटर बॉडी नंबर वन है ये वाटर बॉडी नंबर टू है इन दोनों को कनेक्ट करने वाली है, जो नैरो वाटर बॉडी होती है ना इसको कहा जाता है स्ट्रेट क्या कहा जाता है एस टी आर ए आई टी नॉट जी एच टी स्ट्रेट तो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली एक नैरो वाटर बॉडी उसको स्ट्रेट कहा जाता है अभी हम देख लेंगे तो यूजुअली जो गल्फ होते हैं ना कई बार ऐसा होता है कि गल्फ एंड करते हैं एक स्ट्रेट में और फिर जाकर के वो ओशन से जुड़ते हैं तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना ये स्ट्रेट हो जाएगा ये गल्फ हो जाएगा तो गल्फ के साथ साथ कई बार स्ट्रेट देखने को मिलते हैं यहां तक की भी बात समझ में आ गई चलिए माउथ ऑफ द बे जहां ओशन या लेक मिलते हैं वो टिपिकली वाइडर होगा अब यहां पे एक एक्सेप्शन और एग्जाम्पल दोनों के तौर पर बे ऑफ बंगाल को लेते हैं ठीक है आ जाइए यहाँ पे ये रहा बे ऑफ बंगाल अब देखिए बे ऑफ बंगाल एक्सेप्शन है क्यों एक्सेप्शन है क्योंकि हमने बोला क्या हमने खासियत बोली बे की बे इज स्मॉलर नंबर वन बे हैज अ ब्रॉडर माउथ देन गल्फ नंबर टू ये हमने दो बातें कही ज्यादा ठीक है तो लेकिन अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल की बे ऑफ बंगाल की तो ना तो वो स्मॉलर है है ना चलो ब्रॉड माउथ तो है लेकिन वो स्मॉलर नहीं है इट इज नॉट स्मॉलर इन फैक्ट वो दुनिया का सबसे बड़ा बे है बे ऑफ बंगाल अगर आप उसको कंपेयर कर लो गल्फ ऑफ मे बी परजियन गल्फ से कंपेयर कर लो या फिर गल्फ ऑफ कच्छ से कंपेयर कर लो तो वो बड़ा है जबकि बे छोटा होना चाहिए गल्फ से लेकिन यहाँ पे बड़ा है बिकॉज ये एक्सेप्शन में आएगा लेकिन अगर आप इसके शेप पे जाओगे देखो इट हैज अ ब्रॉड माउथ इट हैज अ ब्रॉड ओपनिंग एंड ये टिपिकल होता है बे में कई बार हालांकि कन्फ्यूज़ भी करेगा कुछ गल्फ भी ओपन माउथ रखते हैं राइट right? वो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो गल्फ था वो इस तरह का था या फिर इस तरह का उनका नैरो माउथ था, था लेकिन ओवर द टाइम ये वाली चीजें इरोड हो गई ठीक है तो अब जो माउथ बचा वो बहुत ब्रॉड रह गया तो हमको देखने में आज के टाइम में दिखता है इतना ब्रॉड माउथ लेकिन जब इसका नामकरण किया गया था तब यहाँ पे तब यहाँ तक इसके एनक्लोजर्स थे ऐसा भी पॉसिबल है तो गल्फ जो ओरिजिनली एनक्लोज था वो धीरे धीरे बे जैसा दिखने लग गया लेकिन नाम तो गल्फ रखा गया था तो आज भी हम उसको गल्फ की तरह यूज कर रहे हैं ओके लेकिन यहां इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड इट इज एन एक्सेप्शन वाई बिकॉज बेज आर यूजली स्मॉलर लेकिन बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा है ठीक है काफी सारी गल्फ से भी बड़ा है जैसे गल्फ ऑफ खम्बाथ जो है उससे बड़ा है गल्फ ऑफ कच्छ जो है उससे बड़ा है और यही हम देख रहे हैं देखो दोनों में डिफरेंस क्या है गल्फ और बे में इनके शेप और रीच डिफरेंट होते हैं पहले तो मुझे सिर्फ बे ऑफ बंगाल दिखाना था वो हमने देख लिया वापस पीछे एक बार आ जाते हैं थियरी कंप्लीट कर लेते हैं देन लार्ज बेज आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये हम बात कर चुके जैसे बे ऑफ बंगाल की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से इसके क्रिएशन को माना जाता है अब वहीं पे अगर हम गल्फ की बात करें तो गल्फ ज्यादा डिफाइंड होता है डीपर होता है ज्यादा एनक्लोज होता है दिस वी वो ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट समटाइम्स इट इज कनेक्टेड टू ओशन बाय अ नैरो पैसेज जिसको हम स्ट्रेट कहते हैं I've already explained this to you. किसके साथ एसोसिएटेड होंगे गल्फ के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं पर बे के साथ एसोसिएटेड होने के इनके चांसेस नहीं होते वाइड ओपनिंग हो सकती है समटाइम्स और इसलिए इनको डिस्टिंग्विश कर पाना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है बे से ओके गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है कहा दिखेगा आपको अभी हम दिखाते हैं यहां दिस इज नॉर्थ अमेरिका दिस इज दबियन साइड और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको सो आपने देखा इसका शेप ऐसा नहीं है कि बस ठीक है लो आगे से बिल्कुल ओपन है नो इट हैज अ रिलेटिवली नैरो माउथ इट इज गल्फ ऑफ मेक्सिको अब इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको में अगर आप देखो ये पूरा गल्फ ऑफ मेक्सिको है ये वाला जो हिस्सा है ना इसी का इलांगशन आप समझो ये यहां से लेके यहां तक ऐसे जा रहा होगा और वहीं आप नीचे देखो ये बेचारा ये छोटू कौन है ये दिस इज फ्लोरिडा बे फ्लोरिडा बे तो बे का साइज देखिए और ये गल्फ का साइज देखिए सो तो स्मॉलर ओके और गल्फ बड़े होते हैं सेमी सर्कुलर होते हैं और मैक्सिको तो क्योंकि बहुत ही बड़ा है इसलिए आपको इतना डिफरेंस दिख रहा है बाकी आप देखो क्या डिफरेंस है शेप और रीच में डिफरेंस है बे सेमी सर्कुलर होते हैं जैसे आप यहां देख रहे हो और जबकि जो गल्फ होते हैं वो यूजली इनलेट की तरह होते हैं लंबे और अंदर तक गए हुए होंगे वाटर ठीक है उसके बाद यहां भी आप देखो ये गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया का ये भी आप अंदर इंडेंटेड देख रहे हो गल्फ ऑफ इंडेंटेड देख रहे हो बे ऑफ बंगाल ओपन माउथ के साथ देख रहे हो ठीक है तो पहला डिफरेंस शेप और रीच का हो गया फिर दूसरा मेजर डिफरेंस साइज का हो गया गर्ल्फ आर बिगर बेस आर यूजली स्मॉलर एक्सेप्शन हमने बे ऑफ बंगाल देखा अब बे के कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप एग्जाम्पल कभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो बे ऑफ बिस्के है बे ऑफ बंगाल हमने देख ही लिया ये देखो बे कितना छोटा भी हो सकता है वो भी देखो ये है माहिम बे मुंबई के अंदर माहिम बे है तो यहाँ पे इस तरह का माहिम बे है तो बहुत छोटे बे भी होते और इसी का एक्सपैंड माहिम बे को ही हमने एक्सपैंड करके यहाँ दिखा रहा था दिस इज हाउ इट इज सी राइट right? तो सेमी सर्कुलर शेप इज वेरी टिपिकल ऑफ बे फिर अगर हम बात करें गल्फ के कुछ एग्जाम्पल की तो एक तो हमने गल्फ ऑफ मेक्सिको देखा उसके बाद और देखिए गल्फ कैसे हो सकते हैं ये देखो गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है आपको अंदर इलांगेटेड और नैरो माउथ हो गया ये पर्जियन गल्फ आपको दिख रहा है ये गल्फ ऑफ ओम गल्फ ऑफ ओमान आपको अगर जो थोड़ा बहुत जितना भी दिख रहा है देख लीजिए राइट right? फिर इंडिया के गुजरात के इधर देख लीजिए गल्फ ऑफ खंबात ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ ये रहा सो गल्फ अंदर तक लैंड में गए हुए होते हैं नैरो ओपनिंग होती है यूजुअली बे से बड़े होते हैं छोटे छोटे अगर सेमी सर्कुलर इनलेट्स भी होंगे लैंड में उनको भी बे कह दिया जाता है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बे का ठीक है आई होप ओशन सी बे गल्फ चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे ठीक है चलिए अब हम आते हैं फ्योर्ड इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है आप इसको फ्योर्ड प्रोनाउंस करते हो <laughs> टर्म है ये फी ओर्ल्ड इस तरह से इसका साउंड आएगा इस तरह से प्रोनाउंस कीजिएगा इसको फियोर्ड राइट अब फियोर्ड क्या होते हैं तो देखिए ये भी वाटर बॉडी से डील करता हुआ है सबसे मेन फीचर जिससे आप फियोर्ड को डिफ्रेंशिएट करोगे बाकी किसी भी चीज से वो होगा ग्लेशियर फियोर्ड कौन बनाता है फियोर्ड वहीं बनेंगे जहां यू शेप वैली होगी शेप वैली टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है जहां कभी ग्लेशियर रहे होते हैं अभी मैं आपको रियल लाइफ इमेजेस भी दिखाऊंगी बिकॉज ज्योग्राफी का मजा नहीं है जब तक हमने रियल लाइफ इमेजेस से नहीं पढ़ा लेकिन अभी के लिए समझ लो ग्लेशियर वैलीज जो होती है यानी जहां कहीं आइस एज के टाइम में ग्लेशियर्स रहे होंगे ग्लेशियर स्टैटिक नहीं होते वो धीरे धीरे मूव करते होते हैं ठीक है सो दे कीप ऑन मूविंग दे कीप ऑन मूविंग और एक टाइम आता है जब वो जाकर के सिया ओशन में गिर जाते हैं ठीक है टुक टूट टूट के गिरते हैं धीरे 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 आइस की तरह गिर जाएंगे या बड़े चंक्स ऑफ आइस की तरह गिर जाएंगे और जब वो खाली हो जाते हैं तो पीछे क्या छोड़ जाएंगे यू शेप का डीप डिप्रेशन ये डिप्रेशन क्यों हो जाता है बिकॉज इस आइस का भार पड़ रहा होता है ये जो पूरा ग्लेशियर है ना ऊपर इसका पूरा वेट पड़ पड़ के पड़ पड़ के नीचे का लाइनिरोड हो चुका है तो ये यू शेप वैनी बना लेता है अब ऊपर तो बर्फ रह गई है या दूर से कोई नदियां जब बर्फ जो होती है वो पिघल पिघल के आ रही है तो यहाँ पे वाटर एक्यूमलेट होना शुरू हो जाता है कुछ वाटर हो सकता है कि आ, जो आसपास सी और ओशन है वो भी अपना वाटर इसमें डाल दे हाई टाइट जब हो रहे हैं या फिर वेव्स बहुत हाई आती हैं तो तो यहां से भी वाटर आ सकता है ऊपर से भी इसमें वाटर आ रहा है तो धीरे धीरे करके ये बेसिकली वाटर से ये वैली भर जाती है और इसको कहा जाता है फी तो फी कौन बनाता है जहां कहीं ग्लेशियल डिपॉजिट्स रहे हों और बाद में ग्लेशियर के जाने के बाद वो यू शेप वैली बन गई हो और अब उसमें वाटर का इनलेट आ गया हो सच दैट वो वाटर लोंग और इलांगेटेड अंदर तक गया हुआ हो उसको फियोड कहते हैं यूजली कहाँ पाए जाएंगे जहाँ ठंडे इलाके होते हैं जहाँ बर्फ रही होगी पहले बहुत कहीं तो नॉर्वे आइसलैंड ये वाले जो एरियाज होंगे कैनेडा ग्रीनलैंड ये वाले इलाकों में फ्योर्ड पाए जाते हैं मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया अब देख लेते हैं पढ़ लेते हैं फटाफट से सो फियॉर्ड इज अ नॉर्वेन वर्ड विच ट्रांसलेट्स अ लॉन्ग नैरो बॉडी ऑफ वाटर फ्योर्ड का तो इतना ही मतलब है लॉन्ग नैरो बॉडी ऑफ वाटर अब हम आगे समझाएंगे कैसे लॉन्ग नैरो बॉडी ऑफ वाटर क्योंकि लॉन्ग नैरो इनलेट होता है नंबर वन इनलेट यानी जमीन के अंदर तक गया हुआ पानी ठीक है कैरेक्टराइज बाय स्टीप साइड्स और क्लिफ अब देखो स्टीप साइड्स और क्लिफ जब ये ग्लेशियर ग्लेशियर बहुत बड़े और बहुत हैवी होंगे ना तो ये क्या है ये स्टीप स्लाइड्स या क्लिप्स हैं यानी सीधी खड़ी हुई घाटिया आसपास बड़े बड़े जैसे कैनियंस में क्या होता है ना अब मैंने एक और टर्म डाल दी जब हम लैंडफॉर्म्स की जोग्राफिकल टर्म्स पढ़ेंगे तब बताऊंगे नॉर्मल भाषा में समझो यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची घाटी बहुत गहरी है तो साइड में बहुत ऊँची दीवार भी नहीं बोल सकते माउंटेन बोल लीजिए क्योंकि मैं आपको एक नया टर्म नहीं देना चाह रही इसलिए एम नॉट यूजिंग इट तो क्लिफ समझ लीजिए है ना एक माउंटेन हिल जैसे साइड में बहुत ऊंचे एलिवेशन uh, होते हैं और गहरी खाई है और यू शेप की खाई ठीक है उसमें जब पानी बहुत अंदर तक चला जाता है बाय ग्लेशियल एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इसके बिना फ्योर्ड नहीं बनते ठीक है तो ग्लेशियल एक्शन की वजह से जब कभी स्टीप साइड या क्लिफ वाली एक शेप वैली बने और उसमें पानी अंदर तक इनलेट कर जाए उसको कहते हैं फ्योर्ड कहां मिलते हैं नॉर्वे चिली न्यूजीलैंड कैनेडा ग्रीनलैंड यूएस अलास्का यहां सब आपको देखने को मिलेंगे जनरली ऑफन सेट इन यू यूशेप वैली क्योंकि यू यूशेप वैली ग्लेशियल एक्शन से रिलेटेड है वही चीज जो मैंने आपको समझाई कि ग्लेशियल धीरे धीरे मूव करते हैं और जैसे ही वो लैंडस्केप से हट जाएंगे और वहां पे एक वैली छोड़ जाएंगे इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लेशिएशन और ग्लेशिएशन से ही डीप वैलीज बनती हैं अब ये देखो ये रियल लाइफ इमेज देखो ये ग्लेशियर है है ना ये अभी इस वैली के अंदर सेट है और धीरे-धीरे ये मिक्स हो, रहा है। वाटर में हो चुका है ये रही वो कही जा रही है ना जो क्लिफ ये वो क्लिफ है ऊंची ऊंची माउंटेन साइड में वेरी हाई और यहाँ कहीं से पानी अंदर तक आ गया है सो दिस इज अ टिपिकल फ्योट गॉट गल्फ

तो देखो इंडिया का मैप तो ध्यान से दे रख, देख रखा है नहीं देखा और बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे हो या स्कूल के बच्चे भी कई बार देखते हैं चैनल तो आप इंडिया का मैप एक बार देखिएगा गौर से ये इंडिया है ये श्रीलंका है ना तो इंडिया और श्रीलंका को आपस में एक वॉटर डिवाइड करता है पानी की वजह से दोनों लैंडवास दूर हैं वो पानी इन दोनों के बीच के वाटर को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट पाक स्ट्रेट तो स्ट्रेट क्या कर रहा है दो लैंड मार्स को तो दूर कर रहा है और दो बड़ी वाटर बॉडीज को दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है तो यहां पे बे ऑफ बंगाल है यहां पे आप बोल सकते हो लैकेडाइव सी बोल सकते हो इंडियन ओशन हो सकता है उन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है ओके okay, यहां पे गल्फ आ जाता है ये कौन सा गल्फ है दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार तो यहां पे आप देखो जो मैंने आपको बात बताई थी ना गल्फ के आसपास कई बार बे मिलते हैं सो so, ये एक गल्फ है ये गल्फ से और इसके यहाँ पे आपको स्ट्रेट दिख गया राइट और ये स्ट्रेट क्या होते हैं स्ट्रेट जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हो और दो लैंडमार्स को दूर कर रहे हैं आर कॉल्ड स्ट्रेट्स ठीक है इसी सेंस में यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक्चुअली लैकेडाइव ऑफ वॉट यहाँ पे क्या आता है ये तो आ गया बे ऑफ बंगॉल और यहाँ पे अरेबियन सी वाला हिस्सा आ जाता है बेसिकली है ना क्योंकि यहां यहां तक ये अरेबियन सी हो गई और ये वाला हिस्सा बे ऑफ बंगाल हो गया तो ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है स्ट्रेट इज स्ट्रिप ऑफ वॉटर वे लैंड का नहीं है ये ध्यान रखिएगा अगर ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड हो जाए तो वो इस्थमस कहलाएगा दोनों देखो स्ट्रेट और इस्थमस बहुत मिलते जुलते से लेकिन मतलब डिफरेंट बट कंफ्यूज करने वाले टर्म्स होते हैं स्ट्रेट क्या करेगा ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वॉटर वे है और इस्थमस एक और टर्म होती है वैसे तो हम लैंडमार्क में पढ़ेंगे पर मैं बता देती हूँ ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि दो वाटर बॉडी को डिफरेंट different, या डिफ्रेंशियट करेगा तो जब एक पतला सा लैंड जो दो वाटर बॉडी को दूर कर दे उसको क्या कहते हैं और एक way, जो कि क्या करे दो लैंड को दूर कर दे उसको कहते हैं स्ट्रेट समझ में आ गया तो नैरो वाटरवे, वे दिस इज अरो वाटर वे जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है दो लैंड को दूर कर रहा है ज्वाइनिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेटिंग टू लैंड मार्स एग्जाम्पल हमने देखा पाक स्ट्रेट जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट कर रहा है गॉट इट ठीक है स्ट्रेट आर नेचुरली ने वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड की टर्म स्ट्रेट कभी भी मैन मेड नहीं बनाए जाते हैं स्ट्रेट हमेशा नेचुरल होते हैं नंबर वन स्ट्रेट्स नेविगेबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते यानी यहाँ से हम शिप्स वगैरह को गुजार सकते भी हैं और नहीं भी गुजार सकते नेविगेबल क्या हो रहे हैं जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए माल ढोने के लिए आवाजाही के लिए यूज कर सकते हो तो कुछ स्ट्रेट होते हैं जिनमें से शिप्स वगैरह आराम से जा सकती है कार्गो जा सकते हैं कुछ में से नहीं जा सकते सो दे मे और मे नॉट बी नेविगेबल ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स क्योंकि यही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चैनल से या कैनाल से जो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट समझ में आ गया स्ट्रेट क्या है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी है एक पतला सा वाटर बॉडी इतना पतला नहीं होता ऑफकोर्स दिखने में वो भी बड़ा होगा पर हम समझने के लिए बना रहे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी है जो लार्ज वाटर बॉडीज को क्या करेगा कनेक्ट करेगा और दो लैंड मार्स को दूर कर देगा और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से ये देखिए ये है ब्लैक सी और यहाँ पे आता है सी ऑफ मारमेरा ये अभी मैं बड़े मैप पे भी दिखाऊंगी तो आपको एग्जैक्टली exactly पता पड़े भाई ये चल क्या रहा है है ना तो एशिया को यूरोप से डिफ्रेंशियट करने वाला यही स्ट्रेट है ये ये जो टर्की है ना ये एशिया में आता है ये पूरा टर्की है मैं आपको बता दूं अभी मैप पे दिखाऊंगी ये पूरा टर्की है लेकिन इतना जो टर्की है ये एशिया में आता है इतना टर्की यूरोप में आता है और बीच में से क्या जाता है बीच में से जाता है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि कनेक्ट करता है ब्लैक सी को और सी ऑफ मार्मा को ठीक है तो देखो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड वॉटर बॉडी जो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है लैंड मास को तोड़ रहा है ओके okay? चलिए so, अब ये किस तरह से बन सकता है हमने बोला कि नेचुरली बनते हैं तो तो या तो जो होते हैं। क्या होते हैं हैं क्या मैंने कहा था ऐसा लैंड स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े लैंड्स को कनेक्ट कर रहा हूं या तो इसमें कभी क्रैक आ जाए नेचुरली और यहां से क्या जाने लग जाए यहां से पानी जाने लग जाए साहब ठीक है तो ये क्या बन गया स्ट्रेट बन गया बिकॉज यहां भी वॉटर था यहां भी वॉटर था और इसने जोड़ दिया और इन दोनों लैंड को तोड़ दिया तो या तो इस तरह से बन सकता है स्ट्रेट लहरें आके टकरा रही हैं तो ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट आप देख रहे हो ना जिसको अभी हमने स्टडी किया ये इसी तरह से बना ये पहले कनेक्टेड था लेकिन धीरे धीरे ये वाला जो हिस्सा है लैंड का ये सबसाइड हो गया एरोड होके और वाटर इसके ऊपर से जाकर के कनेक्ट करने लग गया ब्लैक सी का पानी मारमरा से या मारमरा का पानी ब्लैक सी से जो भी जिससे भी मिला हो पर ही मिलने लग गया सो so, ये ओवरफ्लोइंग आफ्टर इरोजन वाला केस है गॉट इट तो इस दो तरीके से नेचुरली क्या बनते हैं स्ट्रेट्स बनते हैं अब देखो हम कोर कॉन्सेप्ट डीप कॉन्सेप्ट में भी जा रहे हैं अदरवाइज हम डेफिनेशन में ये सब पढ़ने की हमको जरूरत नहीं थी है ना चलिए <coughs> लाइक यू सम मोर एग्जाम्पल अब देखो ये रहा स्ट्रेट ऑफ डोवर है ना ये इंग्लैंड वाला हिस्सा है इंग्लिश चैनल अभी अभी बड़े मैप पे और देख लेना ये फ्रांस है ये इंग्लैंड है इंग्लिश चैनल को के आगे आता है अगर आप इस वाले मैपे देखो लाइक मी जूम इट फॉर यू यहां पर आपको दो एक स्ट्रेट देखने को मिल जाएंगे राइट right. ये देखिए ये रहा ब्लैक सी ये टर्की ये टर्की का एशिया वाला हिस्सा ये टर्की का यूरोप वाला हिस्सा टर्की यहाँ तक आ रहा है और ये जो बीच में से दिख रहा है दिस इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस ये ब्लैक सी आ गई ये सी ऑफ मार्मरा है और ये आगे जाकर के सी ऑफ एजियन में भी मिलता है ठीक है उसी के साथ अब यहाँ पे देखो ये दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्ट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्ट मेडिटेरेनियन सी को एटलांटिक ओशन से मिलाने का काम करता है ठीक है और ये कैसे बना ये भी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बना क्योंकि जुड़े हुए थे वरना ये ये मूव हुई प्लेट्स दूर तो बीच में से पानी जाने लग गया अब जोग्रफिस का जोग्राफिस का ऐसा कहना है कि प्लेट्स वापस पास आ रही हैं तो हो सकता है स्ट्रेट नेचुरली बंद हो जाए कभी ठीक है तो ये एक बात हो गई और यहां पे मैं कौन सा स्ट्रेट बताऊ आपको अभी तो इतना ही रहने दो ठीक है चलिए देन और राइट अस मूव ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ तो स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब हम चलते हैं चैनल पे व्हाट इज चैनल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रेट स्ट्रेट हमने क्या बोला एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी होती है जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है चैनल पे ये होता है लेकिन वो नैरो नहीं होता वो स्ट्रेट से ब्रॉड होता है नंबर वन चैनल इज ब्रॉडर देन द स्ट्रेट वो चौड़ा होगा स्ट्रेट से स्ट्रेट हमने बोला हमेशा ही ऑलवेज इट इज नेचुरल जबकि चैनल कैन बी मैन मेड ऑल्सो चैनल नेचुरल भी हो सकता है जैसे हमने इंग्लिश चैनल अभी देखा था डोवर स्ट्रेट के पहले था या वो मैनमेड भी हो सकता है कि चैनल था पर उसमें से शिप वगैरह नहीं जा पा रही है नेविगेशन नहीं हो पा रहा तो हमने उसको मैन्युअली डेप्थ उसकी बढ़ा दी उसके फ्लोर को और डीप कर दिया ताकि वहां से शिप्स जाने लग जाए तो उसमें मैनमेड एक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है ठीक है ये दो मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इसके साथ आपका स्ट्रेट और चैनल का डिफ्रेंसियशन खत्म हो जाएगा इट इज एज सिंपल एज दैट यस सो चैनल वर्सेज स्ट्रेट की अगर आप बात करोगे वॉट इज द डिफरेंस स्ट्रेट मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट इज नैरोट इज नैरो चैनल इज ब्रॉडर स्ट्रेट इज ऑलवेज नैचुरल चैनल मे बी मैन मेड ऑल्सो ओके चलो सो चैनल इज अ वाइड स्ट्रेट कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट के फीचर्स है बस ये वाइडर होते हैं और अ वाइड वाटर वे बिटवीन टू लैंड मार्स इट कैन बी नैचुरल और मैन मेड स्ट्रेट्स आर क्रिएटेड बाई पीपल जो लोग बनाते हैं स्ट्रेट जो मैन मेड स्ट्रेट होते हैं वो यूजली डीप डिगिंग के बाद बनाए जाते हैं शैलो वाटर्स होते हैं उनको डीप डिग कर दो और उस उन चैनल्स को जिनको आवाजाही के लिए यूज किया जाता है उनको नैविगेटिंग चैनल या नैविगेशन चैनल कहा जाता है ना नेविगेशन चैनल्स हम पढ़ते भी हैं न्यूज में भी करंट अफेयर में भी कई बार आते हैं जोग्रफी में भी आता है इन नाविगेशन चैनल से शिप जा रही है तो वो नैविगेशन चैनल्स क्या है जिनको आवाजाही के लिए यूज़ किया जा रहा है सो एग्जाम्पल्स आर इंग्लिश चैनल नेचुरल एमब्रोस चैनल जिसमें मैन मेड एक्टिविटी इन्वॉल्व थी ना वॉट ये तो रहा आपको इंग्लिश चैनल देख लीजिए ये ये देखो, ये रहा स्ट्रेट ऑफ डोवर। आपको यहाँ डेप्थ देखने को मिल रहा देखने को मिल रही है दिस इज स्ट्रेट ऑफ डोवर और ये रहा इंग्लिश चैनल तो आपको साफ देखने को मिल रहा है चैनल स्ट्रेट आर नोवर ओके एम्ब्रोस चैनल की अगर हम बात करें न्यूयॉर्क सिटी के हार्बर तक पहुंचने के लिए अटलांटिक साइड से जो शिप्स आती है ना उनको न्यूयॉर्क सिटी के हार्बर तक पहुंचाने के लिए एम्ब्रोस चैनल को डीप किया गया था ताकि वहां से शिप्स जा सकें इसलिए एग्जाम्पल है ये आर्टिफिशियल चैनल का एम्ब्रोस चैनल आर्टिफिशियली डीपन किया गया था और कौन से चैनल्स हैं इंडिया के आसपास एट डिग्री चैनल नाइन डिग्री चैनल टेन डिग्री चैनल जो कि अगर हम टेन डिग्री चैनल की बात करें एंडमान और निकोबार आइलैंड्स को डिफ्रेंशिएट या डिमार्केट करते हैं उनके बीच के वाटर्स जो हैं उनको टेन डिग्री चैनल कहा जाता है यहां पे देखो ये रहा लिटिल एंडमेन जो कि एंडो एंड का ही पार्ट है और ये रहे निकोबार आइलैंड ये जो बीच में वाटर्स हैं दिस इज डिग्री चैनल सो चैनल्स आर ब्रॉडर सेपरेट वॉटर्स है ठीक channel. so, है और ये रहा न्यूयॉर्क सो दिस इज ये न्यूयॉर्क जो हार्बर है यहां शिप्स के एंटर होने के लिए इस एरिया को पूरा डीप किया गया था एंड दैट इज चैनल आई होप स्ट्रेट और चैनल का डिफरेंस समझ में आ गया अब आते हैं एक और टर्म पे विच इज के सीधा सा ध्यान रखिए इट इज मैनमेड बिल्कुल हंड्रेड परसेंट इसमें ऑप्शन नहीं है जो मैन मेड होता है उसी को कैनाल कहा जाता है ठीक है सो कैनाल सबसे पहला हो गया ह्यूमन मेड वाटरवे जो इंसान बनाएंगे अब वो इस्थमस को तोड़ करके हम बना रहे हूँ, जैसे कि पनामा कैनाल, अभी मैं आपको दिखाऊंगी पनामा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है स्थमस है पनामा सिटी उसमें से हमने कैनाल बनाया है ओके या फिर आप स्विज कैनाल की बात करो ये रेड सी है और ये है मेडिटेरेनियन सी इनको जोड़ने के लिए ये स्विज कैनाल बनाया गया स्विज कैनाल बनाया गया और ये सबसे ज्यादा एक्टिव केनाल है मेडिटेरेनियन सी से ओपन इंडियन ओशन तक आवाजाही करने के लिए या फिर हमने इरिगेशन परपज से अगर बनाया हो जैसे इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन के लिए बनाया गया केनाल इंदिरा गांधी केनाल ठीक है तो ये जो मैन मेड कैनाल मैन मेड वॉटरवेज होते हैं वो नेविगेशन के लिए काम में लिए जा रहे हो या इरिगेशन के लिए उनको क्या कहा जाता है केनाल कहा जाता है समझ में आ गई बात तो स्ट्रेट हंड्रेड परसेंट नेचुरल होते हैं केनाल हंड्रेड परसेंट मैन मेड होते हैं चैनल जैसे कि हमने बात की थी इंग्लिश चैनल की चैनल मैनमेड भी हो सकते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं ठीक है चलिए ओके okay. आगे बढ़ते हैं सो लाइक आई टोल्ड यू ह्यूमन मेड वाटर वे होगा अगर हम इस्तेमस को ह्यूमन के हिसाब से फ्रैक्चर करें तो वो कैनाल कहलाएगा नेचुरली फ्रैक्चर होगा तो स्ट्रेट कहलाएगा है ना स्वीज कैनाल एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट किया जो कि आगे जाकर के इंडियन ओशन में ओपन हो जाएगी इंदिरा गांधी कैनाल जो कि पंजाब से राजस्थान के एरिड इलाकों तक पानी लाने के लिए पूरी परियोजना थी <coughs> और ये उसकी पिक्चर है रियल लाइफ पिक्चर और देख लीजिए सो वॉट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट इज दिस पनामा केनाल है ना तो ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका है ये आ रहा दिस ये भी है क्योंकि देखो कितना पतला पीस ऑफ लैंड है दो बड़े लैंडमासेस को जोड़ रहा है दो वाटर बॉडीज को तोड़ रहा है तो ये और इसमें यहां पे ये बनाया मैनमेड तो पनामा केनाल है।, है? है, है और ये उसका एक एनिमेटेड बोल लो तो यहां से शिप्स आती जाती है कार्बोस की ओके okay, अब यहां तक की भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए so, so क्या होता है अगर हम स्ट्रेट चैनल और केनाल की बात करें स्ट्रेट से चैनल को डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया केनाल क्या होता है वो हमने देख लिया उससे पहले हमने जो भी बातें की बे गल्फ फ्यर्ड सी ओशन सब कुछ क्लियर है हाँ चल आगे चल अब हम आते हैं वाटर बॉडीज नहीं कुछ जनरल कॉन्सेप्ट कि वेव क्या होती है और भी अभी, अभी आएंगी वाटर बॉडीज आएंगी जैसे हम लगून की बात करेंगे एस्टोरी की बात करेंगे अभी वेव की बात करते हैं ये वेव हम बोलते हैं ना लहरें आ रही लहरें आ रही तो वेव क्या होती है ये टाइड से कैसे डिफरेंट होती है टाइडल वेव क्या होती है ओशन सर्कुलेशन क्या डिफरेंट है ओके okay? और ये सुनामी जो हम बोलते हैं वो भी तो वेव ही होती है तो वेव से कैसे डिफरेंट है बस बड़ी वेव होती है तो उसको सुनामी बोल देते हैं क्या तो टाइडल वेव क्या हुई तो अब ये सारा कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं ओके okay? चलो सबसे पहले बात करेंगे वेव की वेव क्या होती है बिल्कुल लहर होती है कैसे उठती है जब अंडुलेशन जो होते हैं सरफेस वाटर पे उसको वेव कहा जाता है यानी कि पानी शांत नहीं है पर उसमें ऊंची नीची आपको ऑसिलेटरी मूवमेंट्स दिख रहे हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट क्या होते हैं जैसे पेंडुलम के होते हैं ना एक ही जगह से मूवमेंट हो रहा होता है एंड मूवमेंट उसको ऑसिलेटरी मूवमेंट बोलते हैं तो वेव में भी ऐसे ही होता है ये ऊपर नीचे होता पर क्योंकि हवा का फ्लो है तो वो आगे बढ़ जाता है तो इस तरह से आपको वेव देखने को मिलती है साइंस में हम रेडियो वेव्स वगैरह की भी बात करते हैं ना तो वो भी वेव्स है ये वाटर वेव्स हैं बस उसी तरह से वर्क करती है, है ना तो अंड्यूलेशन जो होते हैं यानी जो ऊपर नीचे दिखता है आपको सरफेस ऑफ द वॉटर के उसको वेव कहा जाता है ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी सरफेस मूवमेंट बिकॉज अगेन दे गो इन अ पर्टिकुलर दिस थिंग से लेके यहां तक वेवलेंथ कहा जाता है इसको वेव हाइट कहा जाता है सबसे जो ऊंचा पॉइंट होगा उसको क्रेस्ट कहेंगे सबसे नीचे पॉइंट को ट्रो कहा जाता है ये एवरेज स्टिल वाटर अगर उथल पुथल नहीं होती ना पानी में तो पानी का लेवल यहां होता है लेकिन अब पानी उछाल भी मार रहा है गिर भी रहा है उछाल भी मार रहा है इसको कहा जाता है ऑसिलेटरी मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ वेव क्यों चलती है वेव वेव क्यों होती है वेव? हवा और पानी का जब आपस में घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है हवा चल रही है और पानी को वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है और पानी चलने लग जाता है दिस इज हाउ वेव प्रोड्यूस समझ में आ गया चलिए आगे चलते हैं टाइड भाई टाइड और लहरें क्या सेम होती हैं टाइड के दौरान भी लहरें चलती हैं लेकिन टाइड और लहर सेम नहीं होता ठीक है अब आपको यहाँ दो पिक्चर दिख रही हैं ये सेम जगह की पिक्चर है बस अलग अलग टाइम की है एक टाइम पे ये पूरा एरिया खाली है पानी का लेवल यहीं तक है ठीक है लहरें उठ रही हैं नहीं उठ रही उसकी बात नहीं कर रहे हम पानी का लेवल कहाँ तक है ये सी है मान लीजिए इस सी का लेवल अभी कहां तक है यहां तक है इस पिक्चर में सी का लेवल कहाँ है बिल्कुल छोर तक आ चुका है सेम सी सेम प्लेस दो अलग टाइम है एक टाइम पे सी का लेवल यहाँ तक है एक टाइम पे सी का लेवल यहाँ तक है ये क्यों आया यहाँ तक ये यह टाइड की वजह से आया इस फिन को जिसमें सी लेवल राइज या ड्रॉप होता है इसको कहा जाता है टाइड ये क्यों होता है जैसे वेव की हमने बात की वेव क्यों चलती है वेव चलती है जब विंड का वॉटर से आमना सामना हो जाता है फ्रिक्शन हो जाता है और विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाटर में ट्रांसफर हो जाती है वॉटर चलने लग जाते हैं टाइट क्यों होते हैं क्या इसका हवा से लेना देना है नहीं इसका लेना देना है ग्रेविटेशनल पुल से किसका ग्रेविटेशनल पुल धरती का नहीं मून का और सन का जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे पे आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे या क्या बोलेंगे हिंदी का टर्म एम सो so, सॉरी ग्रेविटेशन को मुझे पता है गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं लेकिन मून के ग्रेविटी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता तो मैं ग्रेविटी बोलूंगी मून सन या जो भी भीशियल बॉडीज हमारे आसपास होंगी वो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटी का असर देती है, फोर्स दिखाती है जो बॉडी जितनी नजदीक होगी और जितनी बड़ी होगी उतना ही उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा ठीक है तो क्योंकि सन के मुकाबले मून धरती के ज्यादा पास है तो मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा वर्क करता है टाइड्स को क्रिएट करने के लिए ठीक है तो टाइड क्यों होते हैं टाइड होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन मेनली बिकॉज ऑफ मून ओके वेव क्यों होती है बिकॉज़ ऑफ़ फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड सर्फेस वॉटर ठीक है यहां तक की बात समझ में आ गई ओके अब समझते हैं कैसे होता है क्यों होता है एक्सेट्रा सो रेग्यूलर राइज एंड फॉल ऑफ ओशंस वॉटर या सी लेवल आर नोन एस टाइट रेगुलर राइज एंड फॉल ऐसे ऊपर नीचे वाला भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है शोर पे जब हम देखेंगे तो ऐसे दिखेगा जब हम जहां आसपास लैंड नहीं है वहां देखेंगे तो पानी ऐसे ऊपर होगा और ऐसे नीचे होगा ठीक है तो वो राइज कैसे भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलोंग कोस्ट वाटर स्लोली राइजेज अप ओवर द शोर एंड स्लोली फॉल्स बैक अगेन शोर पे ये बहुत इजीली देखने को मिल जाता है भाई समुद्र के बिल्कुल बीच में जाके तो कौन देख रहा है नहीं देख रहे ना कोई भी शोर पे हमें दिख जाता है वाटर लेवल राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है हाई टाइड जब पानी आगे तक आ जाता है इसको कहते हैं हाई टाइड यानी वाटर राइज कर गया जब पानी रिट्रीव कर गया यानी वापस पीछे चला गया इसको कहते हैं लो टाइड ओके चलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट एक, एक बार समझने के हैं तसल्ली से समझ लीजिए बार बार फिर आपको दिमाग नहीं खपाना इनके साथ में चलिए तो हाई टाइड क्या होता है जब वाटर हैज रिजन टू दाइएस्ट लेवल कवरिंग मच ऑफ द शोर राइट और लो टाइट जब वाटर वापस अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है कुछ लेक्स और रिवर्स में भी टाइड्स एक्सपीरियंस होते है पता है हमारी वाटर बॉडी हमारी हमारी बॉडी में भी टाइड एक्सपीरियंस होता है बिकॉज बॉडी में भी पानी है 70 परसेंट अराउंड राइट तो वो टाइडल इफेक्ट हमारे ऊपर भी आता है पर हमें पता नहीं पड़ता बिकॉज बहुत माइनर सा इफेक्ट होता है पर जहाँ कहीं भी वाटर होगा इनफैक्ट धरती के जमीन पर भी उस ग्रेविटेशनल पुल का असर होता है लेकिन क्योंकि सॉलिड है बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकता इसलिए धरती बहुत ज्यादा मूव नहीं होती पानी क्योंकि फ्री है तो बहुत ज्यादा उछालता है शोर पे भी आपको वो उछाल दिख जाता है मेजर टाइडल कॉन्स्टिट्यूंट किसकी वजह से टाइड प्रोड्यूस होते हैं सो मेजर इज ग्रेविटेशनल पुल ऑन दी अर्थ अनदर इज ऑफकोर्स सन भी होता है पर क्योंकि माइनर है इसलिए हमने नहीं डाला अनदर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑफ द अर्थ से दो तरफ टाइडल इफेक्ट आपको दिखेगा उसका रोटेशन से भी लेना देना तो एक तो है कि भाई मून का पुल आ रहा है और दूसरा अर्थ घूम भी रही है ठीक है तो जो पुल है वो इफेक्ट आपको दूर तक जाकर के भी दिखेगा फिर मैं समझाऊंगी अगले स्लाइड के अंदर कैसे क्या होगा तो मेजर कॉन्स्टोट क्या है क्यों होते हैं टाइड्स प्रोड्यूस मून के ग्रेविटी की वजह से और अर्थ रोटेट कर रही है इस वजह से भी ऑफ कोर्स बिकॉज पानी मूवमेंट में और मूवमेंट वाली चीज है तो वैसे कभी दूर जा रहा है कभी पास आ रहा है होगा ना ये चीज और फिर किसी ने पुल कर लिया तो वो और ऊपर आ गया फिर छूटा तो वो फोर्स पीछे तक भी जा रही है तो दो जगह पानी बाहर की तरफ यानी हाई वाले टाइड शो करता है एलेक्सने इन ओशन जहां खुला समुद्र है वहां वाटर वॉटर बल्जेज टूवर्ड्स द मून यानी ऊपर उठता है और सी शोर की तरफ साइड में स्प्रेड होता हुआ हमको दिखता है आ जाओ ये रहा अब देखो ये रहा मून है ना दिस इज मून चंदारे चंदारे और ये अर्थ का ये ओरिजिनल वाला जो पोजीशन है जब मून रात को रात को टाइड्स एकदम चढ़ते हैं सुबह सुबह पानी का लेवल आगे तक आया हुआ इसलिए हमको मिलता है हाई टाइड्स दिखते हैं क्योंकि हम सुबह जाते हैं आधी रात को जाके तो कौन समुद्र देखेगा है ना लेकिन जब मून बिल्कुल पास में होता है तो टाइड्स एकदम से चढ़ते हैं और फिर दिन के टाइम रिट्रीव होते हैं यूजुअली यूजुअली जनरली तो अब ये मून है मून मून का ग्रेविटेशनल पुल वर्क किया तो यहां तो ये पानी हाई हाई टाइड आपको दिख रहा होगा एक वर्ड क्या वर्ड है हाई हाई टाइड ठीक है तो यहां तो ये हाई हाई टाइड हो रहा है और आपको समझ भी आ गया होगा ठीक है भाई मून है मून ने पानी को पुल कर लिया यहां पे हाई टाइड हो गया फाइन ये लो टाइड एरिया हो गया ये लो टाइड एरिया हो गया ठीक है भाई दोनों जगह का पानी उधर खींच लिया लेकिन सिर्फ एक तरफ हाई टाइड नहीं होता ये ऑपोजिट साइड भी हाई टाइड होगा लेकिन इसको हाई हाई टाइड नहीं बोलते लो हाई टाइड बोलते हैं

पर ये अर्थ भी थोड़ी सी मूव हुई है और क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन से थोड़ी सी मूव होगी पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह जाएगा और यहां पे हाई टाइड एक्सपीरियंस होंगे बात समझ में आई ओरिजिनल पोजीशन अगर अर्थ की ये थी अगर ये मून है मून ने अर्थ को इधर पुल किया तो अब अगर अर्थ की पोजिशन यहां आ गई है तो ये वाली जगह वॉटर बाहर रह गया ठीक है और आप बोलोगे मैम ये अर्थ यहाँ तो पानी भी तो आया लेकिन पानी और ज्यादा आगे आ गया, गया बिकॉज पानी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आएगा ग्रेविटी का तो ये पानी ने तो इतना जंप दिखाया है जबकि अर्थ ने इतना जंप दिखाया आई आई होप एम मेकिंग सेंस टू यू राइट सो एक तो रीजन है यहां पे भी टाइड टाइड हाई आने का एक और रीजन है अर्थ मूव कर रही है यहां पे अब इमेजिन करना पड़ेगा अब क्रिएटिविटी और विजुलाइजेशन को आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा मैं यहाँ क्योंकि वीडियो नहीं दिखा सकती कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे किसी का भी वीडियो प्ले करेंगे तो ऑनलाइन में ये एक चैलेंज है तो अब देखिए कि जैसे ही यहाँ पे मून है यहाँ पे अर्थ है मून ने वाटर को पुल किया लेकिन अर्थ मूव भी तो कर रही है अर्थ तो मूव हुआ। हुआ, जाते जाते कर रही है, तो ये जो पुल है वाटर का ये वाटर उठेगा फिर बैठेगा उठता उठता नहीं जाएगा वाटर उठा फिर बैठा इसी तरह से वेव जनरेट होंगी ना बिकॉज खड़ा ही थोड़ी रहेगा पानी सो पानी आया फिर गया और जब वो टकराया सरफेस से वापस तो नीचे वाटर फ्रिक्शन आया सरफेस से और वाटर पीछे की साइड चला गया ठीक है अब जब पीछे की साइड जाएगा तो एक बार लहर गई है तो वो बाहर तक जाएगी गॉट इट तो दोनों रीजन वर्क कर रहे हैं एक तो क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है और दूसरा रोटेट भी कर रही है अर्थ तो अर्थ पे जो ग्रेविटी का पुल आ रहा है उसकी वजह से भी लो हाई टाइड होता है और दूसरा ये लो हाई टाइड और दूसरा क्योंकि जो हाई टाइड है वो जब अर्थ रोटेट करेगी तो अपना इंपैक्ट ऑपोजिट साइड पर भी दिखाएगा मून है लेकिन लो हाई टाइड में अवे फ्रॉम द मून है राइट right? बिकॉज अर्थ यहां खिसक गई पानी वहां रह गया पानी यहाँ उछला गिरा घूमा और वहां तक खिसक गया समझ में आ गया हो दोनों चीजें आपको समझ में आ रही है तो हाई टाइड कहां होते हैं दो तरफ होते हैं एक टुवर्ड्स द मून एक ऑपोजिट द मून और ये बीच के जो पोजिशन है दोनों में लो टाइड एक्सपीरियंस होते हैं यही सब यहां लिखा हुआ है तो दो बल्ज आते हैं जब टाइड्स हो रहे होते हैं पहला बल्ज ऑन दी साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून दिस इज मून्स डायरेक्ट टाइडल फोर्स पुलिंग ओशन टूवर्ड्स इट यहां पे कौन ज्यादा पुल हो रहा है ओशन पूरी स्ट्रेंथ से पुल हो रहा है दूसरा बल्ज आता है ऑपोजिट साइड में और ये मून के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है ये बल्ज ओके okay? यहां पे मून स्टाइडल फोर्स पुलिंग द प्लैनेट टूवर्ड्स इट गॉट इट चोर अब ये वेव और टाइड में डिफरेंस जो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे समझा दिया है पर फटाफट से देख लेते हैं वेव आर द एनर्जी जो कि मूव करती है अक्रॉस द सर्विस ऑफ वॉटर कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहां से आई विंड से आ गई साहब ठीक है

तो टाइड के बाद क्योंकि पानी का स्तर बढ़ गया है अब जब हवा चलेगी तो बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी उन बड़ी बड़ी लहरों को टाइडल वेव्स कहा जाता है पहले के समय मतलब काफी सालों पहले इन्हीं टाइडल वेव्स को सुनामी कहा जाता था लेकिन जब एक्चुअल सुनामी आने लग गई तो अब सुनामी की अलग डिफिनेशन हो गई ये सुनामी के पानी को देखो ये बहुत सुंदर सा पानी नहीं होगा ये आपस में बहुत सारा डेबरी मिट्टी मलबा कीचड़ ये सब लेकर के आएगा और ये कहां से आ रहा है मिट्टी मलबा कीचड़ ये अभी मैं बताती हूँ पहले टाइडल वेव समझ में आ गई

जब कभी अर्थक्वेक आ जाए वॉलकैनिक इरप्शन हो जाए अंदर कोई लैंडस्लाइड हो जाए या कहीं शोर पे इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाए कि अंदर के वाटर तक को वो डिस्टर्ब कर दे बहुत ज्यादा और तब जो लहरें उठती हैं उनके साथ जो मिट्टी मलबा ओशनिक फ्लोर साथ में लेकर के आती हैं वॉलकैनिक ऐश बहागर के साथ में लेके आती हैं और वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं कि पूरे के पूरे शोर के बहुत अंदर तक आ जाती हैं टाइडल वेव्स का भी एक दायरा होता है टाइडल वेव शोर के अगर ये शोर है तो एक लेवल तक ही आएंगी फिर आकर के ब्रेक हो जाती हैं ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वेव्स कहा जाता है क्या वर्ड है ब्रेकिंग यानी कि इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी यहाँ आके टकरी और फिर वापस लौट जाएंगी ठीक है सुनामी ब्रेक नहीं होती सुनामी अंदर तक पहुँच जाएगी कोस्टल आ, एरिया को पार करती हुई शहरों तक पहुँच जाएगी तबाही मचाएगी यहाँ अगर आप देख रहे हो ये पूरी कार इसमें डूब रही है 2004 की सुनामी इंडिया ने एक्सपीरियंस की ही है ठीक है तो चलो अब उसी कॉन्टेक्ट में समझेंगे सुनामी क्या है सुनामी पहली बात तो एक जापनीज वर्ड है है ना और इसका मतलब होता है हार्बर वेव हार्बर वेव आ, के कॉन्टेक्ट में इसको यूज किया गया ओके पावरफुल वेव्स दैट आर कॉज बाय फैक्टर्स सच एज अंडर वाटर अर्थक्विक लैंड स्लाइड वॉलकैनिक इप्शन या ऐसी लैंडस्लाइड जो साइड में कहीं हुई हो पर उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा डीप वाटर जा रहा है ठीक है और इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेबरी फॉल्स इंटू वॉटर बहुत ज्यादा डेबरी डेब्री, डेब्री यानी कि मलबा लेकर के वेव्स वेव्स आती हैं और टिपिकल ओशन की तरह नहीं होती कि भाई ये हवा से या से जनरेट नो no! सुनामी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जनरेट कैसे हो रही हैं वो इन सारे रीजन से हो रही हैं या तो वर्कैनिक अर्थ को एक लैंड अंडर वाटर जब होते हैं और मैसिव होते हैं तो सुनामी आती है बस कैसे जनरेट हो रही है ये अपने आप में डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है ठीक है और ये ब्रेक नहीं होती जैसे कि बाकी विंड जनरेटेड वेव्स ब्रेक होती है दे डू नॉट ब्रेक अंदर तक जाएंगी बिल्कुल ठीक तब है तभी तबाही करती ब्रेक हो जाएंगी तो डरना क्यों है फिर सुनामी से फिर तो सर्फ करते हैं सुनामी पे है तो अब देखो सुनामी पैदा कैसे हो रही है यहां पे मान लीजिए अर्थक्वेक आया ठीक है अर्थक्वेक जैसे ही आएगा प्लेट्स में मूवमेंट होगा डिस्टर्बेंस होगा वो पानी को उछालेंगी वो जो वेव्स हैं वो स्प्रेड होंगी सो दीज वेव्स आर स्प्रेडिंग ठीक है अब पानी हर डायरेक्शन में उछलना बहना शुरू हो जाएगा यानी वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे अभी तो यहाँ बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है लैंड भी बहुत फैला हुआ समुद्र है है ना कोई दिक्कत नहीं है तो एक धीरे धीरे वेव्स चलना शुरू होती है राइट इंटेंसिटी उतनी दिखेगी नहीं हालांकि अंदर इंटेंसिटी है पर सर्फेस पे इतनी नहीं दिखेगी जैसे जैसे शोर के टुवर्ड्स आने लगेगी अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर जगह ज्यादा नहीं मिलेगी वेव्स को तो जो वेव लेंथ है कि अभी तो चलो इतनी बड़ी बड़ी वेव आ रही थी लेकिन शोर के पास आते आते वेव लेंथ हो जाएगी कम तो एनर्जी बढ़ जाएगी हाइट बढ़ जाएगी ये वेव्स हो जाती है मैसिव ये रहा लैंड और इतनी ऊंची ऊंची लहरें आएंगी और सारा डेब्री ला करके डालेंगे दिस इज सुनामी इज फॉर्म सो सबसे पहले प्लेट एब्रप्टली हुई आ, शिफ्ट उसके बाद वेव जनरेट होती है जो सारे डायरेक्शन में जाएंगी फिर वो जैसे जैसे शोर की तरफ आएंगी शैलो वाटर की तरफ आएंगी वो कंप्रेस होंगी एनर्जी बढ़ जाएगी उनकी हाइट बढ़ जाएगी और वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे ठीक है फिर हम आते हैं ओशन करंट क्या होता है अरे, सो ओशन करंट अब एक और कंसेप्ट है हमने देख लिया वेव क्या होता है टाइड क्या होते हैं टाइडल वेव क्या होती है सुनामी क्या होती है ओशन करंट एक्चुअली छोटी छोटी लहरों से मतलब नहीं है ओशन करंट का ओशन करंट एक एक बड़े लेवल का फिनोमिना है ऐसे समझिए कि जो ओशन के वाटर्स हैं जैसे कि नदियां होती है हमारे लैंड पे रिवर्स का एक कोर्स होता है ना फिक्स होता है कि भाई गंगा यहीं से निकलेगी यहीं होते होते जाएगी थोड़ा बहुत कभी बाढ़ आ गई तो यहां यहां तक पहुंचेगी यही उनका कोर्स फिक्स होता है ना इसी तरह से वाटर ओशंस के अंदर भी आप ऐसे समझिए कि जो इंटरनली वाटर के अंदर भी अगर कोई रिवर्स जा रही हैं तो वो ओशन के कारण से यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक प्रिडिक्टेबल तरीके से जो पानी का एक बड़ा बहाव हो रहा है उसको बोलते हैं ओशन करंट ओके मैंने बिल्कुल आम भाषा में समझा इसमें समझेंगे सो so, ओशन करंट पहली चीज तो हॉरिजोंटल फ्लो है यानी ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा पानी ठीक है वॉटर विल नॉट मूव अप और डाउन फ्रॉम द सर्फिस नो ये जैसे रिवर्स बहती है ना इस तरह से हॉरिजोंटल मूवमेंट होगा नंबर वन मास ऑफ वाटर पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर पूरा एक चंक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा फेयरली डिफाइंड पता होगा कि हाँ भाई इतना ही वाटर है जो इस डायरेक्शन में जाएगा आसपास उस करंट उस ओशन करंट के आजू बाजू के वाटर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा उस चीज का लेकिन वो पर्टिकुलर एक जो चंक है ना वाटर का वो डायरेक्शन में जाएगा और डायरेक्शन फिक्स होगा ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस और बहुत दूरी तक वो जा रहे होंगे ओके इस मूवमेंट ऑफ वाटर को ओशन करंट कहा जाता है जो एक डिफाइंड वे में लॉन्ग डिस्टेंसेस तक एक आ, बड़े मास ऑफ वाटर को लेके जाता है उसको अब अगर वो इक्वेटर से पोल्स की टूवर्स जाएगा तो उसको हॉट करंट बोल दिया जाता है और अगर वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा तो ठंडक लेके आएगा तो कोल्ड करंट बोल दिया जाता है बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी थोड़ा जब मैं डायग्राम दिखाऊंगी और समझ में आएगा पहले डायग्राम देख ही लो चलो ये देखो अब यहां पे आपको कुछ एरोज दिख रहे हैं कुछ रेड दिख रहे हैं कुछ ब्लू दिख रहे हैं तो जो भी आपको रेड एरो दिख रहे हैं दिस आर ऑल एक्साम्पल्स ऑफ हॉट करंट ये गल्फ स्ट्रीम आपको दिख रहा है नॉट एटलांटिक ड्रिफ्ट दिख रहा है तो ये जो मूवमेंट आपको एरोज का दिख रहा है ना ये फिक्स्ड है ऐसा नहीं है कि आज तो इस तरफ से गया या जो ब्राजीलियन करंट है आज इस डायरेक्शन में कल उस डायरेक्शन में चला जाएगा नो इनका डायरेक्शन फिक्स है इनका मूवमेंट फिक्स है कितना चंक ऑफ वाटर मूव करेगा फिक्स है सो so इस ओशन करंट की वजह से जो टेम्परेचर हैं वो भी मिक्सिंग होते हैं ये लैंड के टेम्परेचर बहुत ज्यादा इनसे इफेक्ट होते हैं लाइफ फॉर्म्स अफेक्ट होती हैं सो ओशन करंट से ग्लोबल बड़े लेवल का फिनोमिना है जो कि वाटर में ओशन वाटर में हो रहा होता है ठीक है चलो सो इट इज लाइक रिवर फ्लोज इन ओशन है ना ये सब अपनी अपनी तरीके रिवर जैसा आप इनको मान सकते हो ओशन करंट्स आर कंटिन्यूस प्रिडिक्टेबल आपको पता होगा हां भाई ओशन करंट इस जगह पे चल रहे होंगे डायरेक्शनल मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं क्यों होते हैं ग्रेविटी विंड जो कोरियोलिस्ट फोर्स वर्क करती है और जो वाटर की सेलिनिटी डिफरेंस होता है जो ज्यादा सेलाइन वाटर होगा वाटर की जो डेंसिटी होती है घनत्व जो होता है तो ज्यादा डेंस वाटर नीचे मूव करता है हल्का वाटर ऊपर मूव करता है टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से मूव करेंगे ग्रेविटी ये जब ऊपर नीचे मूवमेंट होता है तो पानी इधर उधर भी जाएगा है ना अर्थ के मूवमेंट की वजह से रोटेशन की वजह से ऊपर वाले नर्दन हैमोस्फेर में एक डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा सदन में एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये सारे फोर्सेस की वजह से वाटर का मूवमेंट शुरू होता है अब इससे ज्यादा डेप्थ में अभी इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि ओशन करंट्स अपने आप में एक पूरा चैप्टर है उसको हम डिटेल में अभी लेने बैठे तो ये पूरी क्लास हाईजैक हो जाएगी ठीक है तो इतना समझो अभी के लिए कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट बिकॉज ऑफ द विंड प्रोड्यूस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ ऑफ वाटर वाटर डेंसिटी ये मूवमेंट जब बड़े पैमाने पे ओशन में होता है एक फिक्स रूट आप बोल सकते हो एक मेजर चंप को लेके फिक्स डायरेक्शन में जाता है प्रिडिक्टेबल तौर पे मूव करता है उसको ओशन करंट कहते हैं अब वैसे तो पानी ओशन में दो डायरेक्शन में जाता है ऊपर नीचे भी, जाते है भी जाता है और हॉरिजोंटल भी जाता है वर्टिकल भी जाएगा और हॉरिजोंटल भी इस हॉरिजोंटल वाले को ही करंट कहा जाता है ओशन करंट ये जो वर्टिकल मूवमेंट होता है ना वाटर का इसको कहा जाता है अपवेलिंग और डाउनवेलिंग पानी ऊपर गया तो अपवेलिंग पानी नीचे आया तो डाउनवेलिंग लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स जो मास होता है उसी को ओशन करंट कहा जाता है और ये ए बायोटिक सिस्टम है लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है हीट के ट्रांसफर के लिए बायोडाइवर्सिटी में वेरिएशन के लिए गर्म पानी में अलग बायोडाइवर्सिटी होगी ठंडे पानी में अलग होगी जहां मिक्सिंग हो रही होगी वहां अलग होगी अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम्स जो हैं कौन से एरियाज ठंडे हैं कौन से एरियाज गर्म हैं कहाँ किस तरह की हवा गर्म होगी ठंडी होगी उन सब का इफेक्ट काफी कुछ इन करंट से डिटरमाइन किया जाता है ठीक है ये डायग्राम हमने देख लिया और अब आई थिंक टूवर्ड्स दी कंक्लूजन पे हैं हम बहुत ज्यादा अब लंबा नहीं रहेगा क्लास अब हमें एस्चुरी पे बात करनी है लगूनस पे बात करनी है आ, मियांडर्स लेक्स पॉन्ड्स चार पांच कॉन्सेप्ट्स आई थिंक बचे होंगे जल्दी से एस्टरी और डेल्टा हाँ ऐश्वर्य और डेल्टा पे बात करते हैं अब हम बात कर रहे हैं रिवर की अब प्रेजेंस आ गई है, है ना लगून में जरूरी नहीं है पर बाकी एश्चुरी पे हम बात करते हैं एश्चुरी क्या होती है देखो सिंपल शब्दों में समझो नदी होती है नदी आकर के समुद्र से मिलेगी है ना तो दो तीन तरीके से दो तरीके से मिल सकती है एक तो बहुत धीरे धीरे आ रही है और प्लेन्स एरिया है ढलान भी नहीं है ज़्यादा प्लेन एरिया है और नदी बहुत धीरे गति से आ रही है और साथ में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेकर के आ रही है यानी मिट्टी लेकर के आ रही है तो स्पीड कम है मिट्टी बहुत ज्यादा है तो मिट्टी जमती जाएगी उस केस में एश्चुरी नहीं बनेगी एक तो ये केस होता है दूसरा केस क्या है ढलान से नदी आ रही है बहुत ज्यादा मिट्टी भी लेकर के नहीं आ रही है तो वो जाकर के सीधे समुद्र में मिल रही है ठीक है इस केस में एश्चुरी बनेगी तो एश्चुरी कब बनती है वो पहले मैंने आपको केस बता दिया कब बनेगी जब रिवर अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं ला रही बहुत ज्यादा कोस्टल प्लेन नहीं है अच्छा बहुत ज्यादा जो पानी है कोस्टल वेव्स आकर के बार बार टकरा नहीं रही हो जहां पे, तो एश्चरी क्या होती है एश्चरी वहां बनती है जहां रिवर और ओशन या सी का मिलन हो रहा है यानी मीटिंग पॉइंट हो रहा होता है किस किस का रिवर एंड ओशन और सी तो रिवर आ रही है फ्रेश वाटर लेके ओशन या सी है अपने सेलाइन वाटर के साथ और ये जो भी एरिया आप देख रहे हो ना जहां फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर की मिक्सिंग होगी ये सब एश्चरी लैंड से, से जो भी फ्रेश वाटर आता है जिसमें मेजोरिटी टाइम रिवर्स ही होती है और तो सर्फेस रन ऑफ ज्यादा कुछ होता नहीं है ठीक है इतनी बात समझ में एश्चरी क्या होती है एश्चरी शैलो वाटर्स के एरियाज होते हैं अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप वाटर नहीं होगा तो शैलो वाटर के एरियाज होते हैं जहां पे फ्रेश और मरीन या सेलाइन वाटर की मिक्सिंग होती है और ये बहुत प्रोडक्टिव हैबिटेट या बहुत प्रोडक्टिव जोन होते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है मार्शेज होते हैं आ, हरियाली बहुत होगी फिशेज बहुत ज्यादा होती हैं तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव जोन होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है यहां पे आप खेती वेती नहीं कर सकते क्योंकि दलदली एरिया होता है लेकिन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा होता है ठीक है इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया की अगर हम बात करें तो जो इस साइड फ्लोइंग रिवर्स होती है यानी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होते हैं जैसे नर्मदा और तापी हो गई वो वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ऊंचे हैं वो स्टीप स्लोप देते हैं तो ये जब नदियां गिरती हैं फटाफट तो ये ऐश्चर्य बनाती है नर्मदा तापी बनाती है डेल्टा नहीं बनाएगी ठीक है अभी मैंने मोटी मोटी तौर पे आपको बात समझा दी है अब पढ़ लेते हैं सो so, क्या है शैलो वाटर जोन है जहां नदी सी से मिल रही है रिवर इज मीटिंग द सी नंबर वन शैलो है कोस्टल एरिया के आसपास है तो कोस्टल हैबिटेट है या कोस्टल जोन है शैलो वाटर है नंबर टू रिवर और सी की मीटिंग हो रही है नंबर थ्री इतना समझ में आ गया ठीक है पार्शली एनक्लोज बॉडी होती है पार्ट ऑफ कोस्टल फीचर कोस्टल मैंने आपको बता दिया पार्शली एनक्लोज होती है ऑब्वियस सी बात है देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम नदी आ रही है समुद्र से मिल रही है तो पानी तो आगे बह जाना चाहिए भाई यहाँ पे मिक्सिंग भी होगी तो कितनी होगी समुद्र का पानी आएगा और बहा के ले जाएगा नदी को नहीं यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ सैंड बार्स हो सकती है यानी कि यहाँ पे कुछ आइलैंड हो सकते हैं यहाँ पे भी आपको ये तो चलो दूर का हो गया पास का ही देख लो यहाँ पे लैंडफॉम्स आपको इतने सारे दिख रहे हैं तो ये सारे लैंडफॉल्स बैरियर का काम करते हैं सैंड बार क्या होती है समुद्र अपने साथ मिट्टी लेकर के आता है और वो यहाँ पे उसने जमा दी तो ये एक तरह से बैरियर बन गया है ना बार्स बन गए तो जब बैरियर्स होते हैं बहुत सारे और पतली नैरो तरीके से रिवर्स आ रही हैं पर ये बैरियर्स की वजह से ना तो पूरी तरह से फटाफट ओशन में मिक्स हो रही है ना ओशन वाटर बहुत जल्दी इनको ओवरटेक कर पा रहा है तो ये मिक्सिंग वाले जोन बनते हैं जब हाई टाइड होंगे तो ओशन थोड़ा और अंदर तक आ जाएगा जब लो टाइड होंगे तो रिवर थोड़ी और अंदर तक आ जाएगी तो इनकी सैलिनिटी का लेवल वेरी करता रहता है कभी होते, कभी हाई होते होते लो पर ये ब्रैकिश भी रहते हैं मतलब मिक्सिंग वाले जोन रहते हैं ब्रैकिश वाटर क्या होता है जिसमें सेलाइन और फ्रेश वाटर की मिक्सिंग होती रहती है ठीक है ओके ना सो फ्रेश वाटर एंड सी वाटर कंबाइन वाटर बिकम ब्रैकिश और स्लाइटली सॉल्टी लेकिन फिर भी फ्रेश वाटर कंपेयर अगर हम करें किससे लगून जब हम पढ़ेंगे तो उससे फ्रेश वाटर की तादाद यहाँ पे ज्यादा रहती है बिकॉज रिवर पिक्चर में है और रिवर फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली ला रही है जब हाई टाइड होंगे तो इस पूरे एश्चरी का सेलिनिटी कंटेंट थोड़ा बढ़ जाएगा बिकॉज समुद्र का पानी ज्यादा अंदर तक आ गया लेकिन जैसे ही लो टाइड होगा वापस फ्रेश वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा वाटर कंटिन्यूसली सर्क्यूलेट्स इन एंड आउट ऑफ एन एश्चरी ठीक है तो आवाजाही लगी रहेगी इस वाले जोन के अंदर देन वाटर लेवल सेलिनिटी राइज एंड फॉल विद द टाइड बिल्ट बाय सैंड बार्स रिफ्ट वैली अब देखो एश्चरी कैसे बन सकती हैं या तो लाइक आई टोल्ड यू ये सैंड बार्स आ गए अगर खुला एरिया होता ही है तो समुद्र में जाके मिल जाती है एश्चरी नहीं बनती बैरियर चाहिए क्या चाहिए एश्चरी बनने के लिए कोई ना कोई बैरियर चाहिए बैरियर या तो सैंड बार से बनेगा जो समुद्र अपनी मिट्टी ला रहा है और इकट्ठी कर दे रहा है रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली क्या होती है जब दो प्लेट्स मूव होते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है ठीक है और उसके अंदर ये पानी भर गया राइट right, तो पूरी इस तरह से बन गई है ये रिफ्ट वैली बन गई है है ना तो ये पानी यहाँ भर गया है अब ये पूरी तरह से बाहर नहीं जा रहा थोड़ा थोड़ा ओशन वाटर भी आ रहा है थोड़ा रिवर वाटर भी आ रहा है यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है एश्चरी बन गई फियॉर्ड फियॉर्ड में हमने देखा था यू शेप वैली थी है ना और यहाँ पे भी वही है यहाँ से ओशन का वाटर यहाँ से रिवर का वाटर यहाँ मिक्सिंग हो रही है एश्चरी बन गई ओके सो इन केसेस में एश्चरी का फॉर्मेशन होता है लॉन्ग एंड नैरो माउथ ऑफ रिवर्स जहां होंगे वहां एश्चरी फॉर्मेशन ज्यादा होगा अगर बहुत ब्रॉड माउथ है तो जाकर के मिल गए कोई दिक्कत ही नहीं लॉन्ग नैरो माउथ होंगे तो पानी भी धीरे आ रहा है बैरियर्स भी है तो वहां पे बेस्ट कंडीशन होती है एश्चरी फॉर्मेशन की ठीक है एश्चरी समझ में आ गई अभी पहले मैं डेल्टा पढ़ाऊंगी फिर दोनों का डिफ्रेंसिएशन आपको समझा दूंगी अब डेल्टा क्या होता है डेल्टा हमने पढ़ा हुआ है जब हम ब्रह्म गंगा नदी की बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं कृष्णा गोदावरी की बात करते हैं तो देखा जाए तो जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं इंडियन कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें जो बहुत ऊपर से आ रही हैं, दूर से आ रही है अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर के आ रही हैं और क्योंकि जो ईस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं तो स्टीप नहीं है कोस्टल एरियाज जो है वो प्लेन है तो नदी अपनी मिट्टी छोड़ती चलती है वो नदी की जो मिट्टी है वो डिपॉजिट होती चलती है और ये रिवर फिर जा के फैन या ट्राइंगुलर uh, शेप बना लेती है बिकॉज अपनी मिट्टी पूरी डिपॉजिट करती चल रही है और फिर जाके ओशन में मिलती है तो ये जितना भी डिपॉजिशन वाला एरिया आप देख रहे हो ना इस एरिया को कहते हैं डेल्टा और ये बहुत फर्टाइल होता है क्यों क्योंकि पूरी एलुवियन मिट्टी है एकदम नई मिट्टी है फुल ऑफ न्यूट्रिय यहाँ पे खेती यहाँ पे फसलें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जोन होते हैं ये ठीक है एश्चर्य भी प्रोडक्टिव है लेकिन वो खेती के लिहाज से प्रोडक्टिव नहीं है फिशरीज और मरीन इकोसिस्टम से जो भी कुछ आप ले सकते हो वो वहाँ से आप ले लो उगाने की बात करें तो डेल्टाज बहुत प्रोडक्टिव होते हैं ठीक है तो डेल्टा के अंदर सेडिमेंटेशन जमा किया जाता है और बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है कोस्टल एरियाज़ होते हैं धीमी हो चुकी होती हैं नदियाँ एश्चरी के अंदर फास्ट होती है कंपेरेटिवली नदियाँ पतली होती हैं यहाँ एकदम ब्रॉड जितनी ब्रांचिंग कर पाएगी अब देखो समझो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्चुअली टाइम को लेकर कॉन्शियस हो जाती हूँ जैसी क्लास बड़ी होती है मुझे लगता है पता नहीं तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे पर जो भी पढ़ रहा है उसको मैं ढंग से पढ़ाऊंगी देखो अब एक ये नदी आई इसने यहां यहाँ पे मान लो अपना डिपॉजिट कर दिया अब ये क्या करेगी ये ब्रांच आउट हो जाएगी फिर डिपॉजिट कर दिया ये फर्दर ब्रांच आउट हो जाएगी तो ये ब्रांचिंग क्यों होती है जितना ज्यादा डिपोजिशन होगा उतनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो डेल्टा के केस में रिवर बहुत ब्रांच आउट हो जाती है और ये पूरे एरिया के अंदर डिपोजिशन हो जाते हैं ठीक है चलो अब पढ़ो ट्राइंगुलर और फैन शेप्ड एल्यूविल डिपॉजिट मेड बाय रिवर्स एट देयर माउथ ये भी रिवर जहाँ समुद्र से मिल रही है उससे पहले वाले एरिया में ही बन रहे हैं एश्चरी भी उसी एरिया में बन रही थी रिवर माउथ पे ही बन रही है डेल्टा भी रिवर माउथ पे बन रहा है एश्चरी भी कोस्टल सिस्टम के आसपास है ये भी कोस्ट के आसपास है लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होते यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं वो खेती के लिए अच्छी नहीं है खेती के लिए अच्छी है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव वो भी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ये भी है डेल्टाज आर फाउंड एट द रीजन लो टाइड और कोस्टल प्लेन जहाँ हाई टाइड होंगे वहां तो डिपॉजिट ही नहीं हो पाएंगे ना पानी आ रहा है ले जा रहा है इस मिट्टी को होगा ना ऐसा तो यहाँ पे कंडीशन क्या है लो टाइड्स होने चाहिए पानी बहुत ज्यादा अंदर तक आता हुआ नहीं होना चाहिए हाई टाइड कंडीशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए है तो वहां पर डेल्टास बनेंगे दूसरा कोस्टल प्लेन्स होनी चाहिए अगर ढलान वाला इलाका है या फिर पहाड़ी वाड़ी वाला इलाका है तो डिपॉजिट्स ही नहीं हो पाएंगे तो कोस्टल प्लेन लो टाइड कंडीशन होगी तो ये बनेगा हाई टाइड में तो एस्चुरी बन जाती है पानी की मिक्सिंग होती रहती है क्योंकि फॉर अ डेल्टा टू फॉर्म रिवर मस्ट बी स्लो एंड स्टडी धीरे एकदम ठंडी हो चुकी है अभी तक नदी बोली सारी एनर्जी निकल गई अब मैं बैठ रही हूँ तो सारी मिट्टी छोड़ देती है आर फर्टाइल लैंड फर्टाइल नहीं है लेकिन प्रोडक्टिव एरिया है समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस गुड आ जाओ एस्टरी वर्सेस डेल्टा थ्योरी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यहाँ से स्कूल कॉलेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब जगह देख लो एस्टरी लगून में क्वेश्चन आ रखा है मतलब आते रहते हैं अगर कॉन्सेप्ट आ गया है ना तो काफी कुछ आंसर कर पाओगे देखो एश्चरी और डेल्टा दोनों रिवर्स बनाती हैं अपने माउथ पे जहां वो सी से मिलने जा रही है माउथ क्या होता है जहां वो बड़ी वॉटर बॉडी से कोई रिवर मिलती है उसको माउथ कहते हैं जहां से शुरू होती है उसको सोर्स या ओरिजिन कहते हैं ठीक वो तर इकोनॉमिकली फर्टाइल पैसा बना के देते हैं दोनों एश्चरी जो है वो वाटर के लिहाज से फर्टाइल है डेल्टा लैंड के लिहाज से फर्टाइल है समझ गए वो जो डिपॉजिट हुआ है ना मिट्टी का उसको डेल्टा कहते हैं और जहां मिक्सिंग पानी की हो रही है ताकि ब्रैकिश वाटर बन गया उसको एश्चुरी वहां पे वाटर बहुत प्रोडक्टिव है यहां पे लैंड बहुत प्रोडक्टिव है ये रहा एश्चरी ये रहा डेल्टा एश्चरी में कोई डिपॉजिट नहीं होंगे हाई टाइड और रिफ्ट वैली होनी चाहिए रिफ्ट वैली अगर जितनी होगी ये रिफ्ट वैली डिप्रेशन है उतना पानी भरेगा उतनी मिक्सिंग हो सकती है है ना हाई टाइड होंगे तो ओशन अंदर तक आएगा रिवर के साथ मिक्सिंग होगी डज नॉट हैव फर्टाइल लैंड्स नहीं होते भाई नर्मदा और तापी रिवर्स जो है वो एशरीज बनाती हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है राइट चलो अलुवियल डिपॉजिट डेल्टा के केस में डिपॉजिट होने चाहिए अलूवियल जो मिट्टी लेकर के आ रही है वो डिपॉजिट होते हैं लो टाइड और कोस्टल प्लेन होने चाहिए इसके बिना डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा फर्टाइल लैंड होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी महानदी ये सब डेल्टा बनाती है ठीक है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तो बहुत बड़ा है ओके ये भी हो गई कहानी ये टिव पिक्चर देख लो ये रही एश्चरी की पोजिशन आई और यहां पे मिल गई अब यहां पे कोई ना कोई बैरियर होंगे आगे जिसकी वजह से यहां पे mixing हो रही है ओशन का पानी आ भी रहा है और पूरी तरह से एक्सपोज भी नहीं है ठीक है ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से मिक्स हो गया नहीं यहां पे बैरियर्स हैं तो थोड़ा आ रहा है थोड़ा मिक्स हो रहा है थोड़ा फ्रेश वाटर आ रहा है लाइक दैट डेल्टा में नदी आई पर ये पूरी ब्रांच आउट कर गई ये इसने अपनी मिट्टी छोड़ दी डेल्टा बन गया गॉट इट चलो लगून अब आता है लगून और लगून के बाद में बस लेक और पॉन्ड है अब लगून क्या है लगून और एश्चरी का डिफरेंस समझना जरूरी है देखो एश्चरी में भी ब्रैकिश वाटर है यानी कि नदी आ रही है अपना पानी ओशन अपना पानी या सी अपना पानी और मिक्सिंग हो रही है लगून में भी मिक्सिंग हो भी सकती है और फ्रेश और सॉल्ट वाटर की मिक्सिंग नहीं भी हो सकती लेकिन लगून भी कोस्टल एरिया में बनता है लगून भी कोस्टल एरिया में बनता है पॉपुलर लगून इंडिया की अगर हम बात करें चिले का चिलिका लेक जो हम बोलते हैं वो लगून है एक्चुअली वो लेक नहीं है लेक हमने बोल दिया है उसको पर उसके ज्यादा फीचर्स लगून वाले हैं लेक एनक्लोज होती है समुद्र से यूजली कनेक्टेड नहीं होती है लगून का यूजअली कोई ना कोई आउटलेट होता है जो कि सी या समुद्र से या ओशन से जुड़ा हुआ होता है तो अगर आप ये मैप देखो तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ये पूरा कोस्टल एरिया है और ये जो भी ब्लू वाटर आपको दिख रहा है दिस चिलिका और ये अगर आप देख सकते हो ये आपस में कनेक्ट होके और ये छोटा सा एक माउथ है इसका और एक इंपॉर्टेंट नदी है जो चिलिका लेक को फीड करती है पूछो आपसे क्वेश्चन चलिए आंसर कीजिए मुझे पता भी पड़ जाएगा यहां तक कितने बच्चे पहुंचे सो विच रिवर इंपॉर्टेंट रिवर मेन रिवर फीड चिलिका है तो नदी अपना पानी लेकर के आ रही है इसमें फ्रेश वाटर और जो बे ऑफ बंगाल है वो इसमें अपना खारा पानी दे रहा है तो ये ब्रैकिश वाटर है ब्रैकिश यानी मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे लेकिन सारे लगुन में फ्रेश और सॉल्टी वाटर की मिक्सिंग हुई ऐसा जरूरी नहीं है जबकि आश्चर्य के केस में ये जरूरी है इसके बिना आश्चर्य नहीं कहलाई जा सकती ठीक है तो लगून भी कोस्टल एरिया में बनता है लगून दो तरह के होते हैं अभी मैं पढ़ाऊंगी लगून क्या है पहले इतना समझो शैलो वाटर है यूजअली कोस्टल एरिया में बनता है कई बार बिल्कुल मिड वाटर भी बन जाता है कोस्टल में नहीं बनता उसको अटोल कहते हैं अभी बताती हूँ ठीक है सो शैलो वाटर होता है और मिक्सिंग हो भी सकती है सॉल्ट और फ्रेश वाटर की और मिक्सिंग नहीं भी हो सकती पूरी तरह से सॉल्ट वाटर का भी लगून हो सकता है ठीक है तो लगून पार्शली कनेक्टेड है एक बड़ी वाटर बॉडी से पूरी तरह से ओपन भी नहीं है पूरी तरह से क्लोज भी नहीं है पार्शली कनेक्टेड वाटर बॉडी जो कि शैलो है ठीक है अब देखो लगून इज सेमी एनक्लोज सेमी एनक्लोज यानी पूरी तरह से बंद भी नहीं है पूरी तरह से ओपन भी नहीं है रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ओपन सी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोस्ट पे है कि चलो भाई सारा पानी एंटर कर रहा है या बहुत अच्छे से एंटर कर रहा है एश्चुरी में मिक्सिंग ज्यादा होती है बिकॉज बैरियर है पर कम है यहां बहुत कॉम बहुत पतला सा कोई छोटा सा आउटलेट होगा जो सी या ओशन से कनेक्ट कर रहा है लगून को ठीक है तो रेलेटिवली आइसोलेटेड ज्यादा आइसोलेटेड होता है राइट लगून शैलो बॉडी ऑफ वाटर है जिसमें कि एक ओपनिंग होती है लार्जर बॉडी को कनेक्ट करने की लेकिन ये प्रोटेक्टेड भी होता है या तो सैंड बार से या कोरल रीफ से अगर ये कोरल रीफ से हो गया है ना तो इसको अटोल कहा जाता है अगर ये सर्कुलर शेप का है और कोरल रीफ से प्रोटेक्टेड है एश्चुरी के केस में कोरल रीफ पिक्चर में कभी भी नहीं आएगी ये पिक्चर में कब आएगी सिर्फ और सिर्फ लगून के केस में आएगी ठीक है एग्जाम्पल है हमारे पास चिलेका लेक ओडिशा की पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश की और भी है वेमनार को भी हम बैकवाटर्स कहते हैं उसको भी हम लगून कहते हैं वहां पे भी मिक्सिंग होती है लगून आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एक होते हैं कोस्टल लगून जैसे कि हमने बात की चिलेका लेक हो गई एक होते हैं अटोल लगून जो कि बिल्कुल बीच में बनते हैं वाटर के है ना तो को भी कहा जाता है तो पानी तो पूरा मिक्स हो जाएगा लगून वाली कंडीशन ही नहीं बनेगी तो लगून बेसिकली आपको समझ में आया लगून शैलो वाटर बॉडी है अगर हम सिर्फ कोस्टल लगून की बात करें तो कोस्ट के पास में बनते हैं काफी हद तक प्रोटेक्टेड है सी वाटर से लेकिन फिर भी थोड़े से कनेक्टेड है अब ये फ्रेश वाटर से कनेक्टेड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते यानी पे मिक्सिंग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती लेकिन सी वाटर से तो ये कनेक्टेड थोड़े से फाइन तरीके से होते ही होते हैं पूरी तरह से एनक्लोज नहीं है वरना वर्णा लेक हो जाएंगे फिर ये लगुन नहीं कहलाएंगे ठीक है तो कंप्लीटली मरीन भी हो सकते हैं मिक्सड वाले ब्रैकिश भी हो सकते हैं कोस्ट पे भी हो सकते हैं और कंप्लीटली वाटर के अंदर भी हो सकते हैं अगर ये वाटर के अंदर होते हैं जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखो अगर ये वाटर के अंदर होते हैं यानी कि हर तरफ से पानी पानी है और इसको कोरल रीफ ने घेर लिया है उसने एक एक रिंग बना ली है और बीच में ये पानी आ गया है तो ये पानी तो है लगून ये बाहर है सी या ओशन और ये एक रिंग आ गई है को आ, किसकी या ये पूरा एक आ, बेल्ट आ गया है किसका ये आ गया कोरल रीफ का तो इस रिंग को तो कहेंगे अटोल इस रिंग को क्या कहा जाएगा अटोल और इसके अंदर ये जो पानी है इसको क्या कहा जाएगा लगून ठीक है और ये जब अटोल के बीच में लगून फंसता है इसको अटोल लगून कहते हैं ठीक है ठीके? अब ये कब बनेगा ये बनेगा जब कभी वॉलकैनिक इरप्शन हो जाता है सी बेड से या ओशन बेड से ठीक है तो ये सी बेड था मान लीजिए ये सी बेड था यहां से हुआ धीरे 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 क्या हुआ यहाँ पे कोरल रीफ बनने लग गए कोरल्स आकर के माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं जिनकी एक्जोस्केलेटिन होती है कैल्शियम वगैरह की तो वो हार्डन हो जाती है विथ टाइम तो ये ऑर्गेनिज्म यहां आके डेवलप होने लग गए धीरे धीरे ओवर मिलियन ऑफ इयर्स क्या होगा अब ये ये इरोड होना शुरू होगा बिकॉज यहाँ पे विंड वाटर का इम्पैक्ट होगा तो ये धीरे 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 जब इरोड होगा ये यहां से गायब होना शुरू हो गया ये तो गायब होके नीचे तक पहुंच गया कहा तक पहुंचा ये पहुंच गया यहां तक लेकिन ये जो कोरल रीफ्स कोरल्स थे पॉलिप्स थे जो वो अब ऊपर की तरफ बढ़ने लग गए ठीक है तो इन्होंने अब इसको थ्री में अगर आप इमेजिन करोगे यहाँ से पूरा घेर लिया ठीक है ये अब और नीचे चले गया ओ -ओ, मैंने पूरा मिटा दिया हम सो सॉरी तो ये जो था अब नीचे का जो आइलैंड है वो यहां तक पहुंच गया आईलैंड नहीं रहा वो नीचे चला गया सबसाइड हो गया जो वोल्कैनिक डिपोजिशन था तो अब ये शैलो वाटर्स हो गए आसपास हो गए अब ये जो कोरल्स थे जो पॉलिप्स थे जो ऑर्गेनिज्म थे मरना शुरू हो जाएंगे बिकॉज इनको न्यूट्रिय और जिस पे सपोर्ट पे थे वो सारा आइलैंड ही गायब हो गया है तो ये मरना शुरू हो जाएंगे तो इनका एक्सोस्केलेटन हार्डन होना शुरू हो जाएगा तो एक हार्ड तरह की एक लेयर बन जाएगी और वो कहलाती है अटोल ठीक है और धीरे धीरे इनके जो एग्जोस्केलेटिन है उसमें से कैल्शियम निकलना और इनके मिनरल्स इस पानी में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे इसलिए जो अटोल लगून होते हैं लाइट ब्लू कलर के दिखते हैं ठीक है फिर बहुत मिलियंस ऑफ सालों बाद ये भी धीरे धीरे टूटेगा और धीरे धीरे गायब हो जाएगा ठीक है थीके? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स की कहानी बता रही हूँ मैं तो ऐसे अटोल लगूनस पे कई बार टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं कई बार बसे हुए होते हैं लोग जब वो आइलैंड होता है ठीक है जब वो आइलैंड होता है जब यहाँ पे आइलैंड होता है लोग बसे हुए होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के जो लगूनस हैं वो अटोल बन चुके हैं क्योंकि वो सॉरी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के जो आइलैंड्स हैं वो सबसाइड हो चुके हैं और वो क्या बन चुके हैं लगून बन चुके हैं ठीक है तो मैं आपको समझा पाई वोल्कैनिक इरप्शन के बाद आइलैंड बना यहां पे लगून डेवलप हुए फिर ये जो आइलैंड था धीरे धीरे गायब हो गया ये लगून यहीं रह गए और यहां पे ये जो वाटर था उसको इन्होंने सर्कुलेट कर लिया और इसको अटोल लगून कहने लग गए सो रिंग शेप कोरल रीफ आइलैंड अटोल सराउंड बॉडी ऑफ वॉटर कॉल्डर लगून तो ये रिंग को तो अटोल कहते हैं बीच में जो बॉडी है उसको लगून कहते हैं अब ये जो कोस्टल लगून है ना उनसे एक तरह से सिमिलर ही हैं क्यों पानी आसपास के वाटर से अलग भी है लेकिन फिर भी थोड़ा कनेक्टेड है क्योंकि कोरल्स के बीच में से कहीं कहीं से थोड़ा पानी मिक्स भी हो जाता है अदरवाइज ये सेपरेटेड भी है राइट तो वहां पे कोस्टल लगून में सैंड बार्स थे बैरियर्स थे जो कि पानी को मिक्स होने से रोक रहे थे यहाँ पे क्या है यहाँ पे कोरल रीप्स हैं जो रोक रहे हैं मिक्स होने से और ये जो है ये ट्रॉपिकल वाटर्स जो है ना पैसिफिक ओशन के इंडियन ओशन के वहाँ अटोल्स काफी देखने को मिलते हैं

उससे लीचिंग हो जाएगी और लाइट ब्लू कलर का पानी हो जाएगा अब आपने एस्चुरी पढ़ लिया आपने लगून पढ़ लिया दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों कोस्टल एरियाज में बनते हैं है ना पहली चीज तो ये हो गई ये दोनों कोस्टल फीचर्स हैं डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों देख रहे हैं ये भी शैलो वाटर है ये भी शैलो वाटर है क्योंकि उसके लिए भी क्रिफ्ट वैली होती है शैलो वाटर होता है यहाँ पे भी शैलो वाटर है यहाँ पे फ्रेश और सिलाइन वाटर की मिक्सिंग हो रही है और अच्छे से हो रही है यहां जरूरी नहीं है फ्रेश और सिलाइन वाटर मिक्स हो रहा ठीक है नो so, मिक्सिंग no हो भी रही होगी तो थोड़ी होगी नहीं तो जरूरी नहीं जैसे अटोल के में जरूरी नहीं है ना है एक्चुअली किन किन से बन सकती हैं तीनों से बन सकती हैं यहाँ पे इन सब से तो बन रही है ठीक है फ्योर्ड से नहीं ना कोरल से बार्स यहाँ पे भी हो सकते हैं यहाँ कोरल्स होंगे यहां कभी कोरल्स नहीं हो टेक्टोनिक्स यहाँ भी होंगे बिकॉज रिफ्ट वैली टेक्टोनिक्स ही बन रही है ठीक है लेकिन कोरल सिर्फ और सिर्फ लगून के केस में आएंगे ऐश्वर्य के केस में कोरल का कोई मेंशन नहीं आएगा ठीक है यहाँ पे नो कोरल्स यहाँ पे कोरल यहाँ पे लार्ज बायोडाइवर्सिटी होती है क्योंकि अगर कोरल कहीं पे है बायोडाइवर्सिटी यहां भी बहुत ज्यादा होगी लेकिन लगून जितनी सॉरी कोरल जितनी बायोडाइवर्सिटी कहीं नहीं मिलती है तो कोरल जहां पे हैं जैसे अटोल लगोन जहां पे होंगे वहां बायोडावर्सिटी काफी मानी जाती है अटोल लगोन को रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहा जाता है ओके और सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें जो हमने ऑलरेडी कर लिए वैसे दोनों शैलो ओशन वाटर्स हैबिटेट हैं दोनों कोस्टल फीचर्स हैं दोनों हाई प्रोडक्टिविटी जोनस हैं लगून में भी हाई प्रोडक्टिविटी है यहाँ भी जहाँ कहीं भी वाटर मिक्सिंग होगी जहाँ कहीं भी ओशन के आसपास होगी जहाँ कहीं भी कोरल आ गए वहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी जोन है अभी एक डायग्राम है थोड़ा सा आपको हो सकता है ब्लर दिखे तो ये तो हम देख रहे हैं हल्की बहुत मिक्सिंग टाइड्स की या वेव्स की जहाँ हो रही है ये आश्चर्य वाला एरिया हो गया है ना दिस इज ऑल एश्चरी ये लगून है ये दिख रहा है आपको ये वाटर कंपेरिटिवली ज़्यादा इनक्लोज है बहुत थोड़ा सा आउटलेट है तो मिक्सिंग कम होती है यहाँ पे आश्चर्य के मुकाबले और ये डेल्टा तो आपको दिख ही रहा है चलिए अरे अभी तो अरे हाँ मियांडर और ऑक्सबोलेक्स भी है आई आई एम एम सो सॉरी सॉरी लेक्चर बड़ा हो गया रियली फॉर दैट चलिए मियाडर की अगर हम बात करते हैं मियांडर क्या है बेंडिंग इन कोर्स ऑफ रिवर अब देखो नदी जो होती है जब अपनी मच्योर स्टेज पे आ जाती है तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स uh, भी अपने साथ ला रही होती है और उन सेडिमेंट्स को कैरी तो कर नहीं सकती तो डिपॉजिट करती चलती है ठीक है तो मच्योर रिवर्स के केस में ऐसी सर्प जैसी स्नेक लाइक -like, uh, जो फोल्डिंग्स है ना वो देखने को मिलती है इस चीज को कहा जाता है मियांडर क्या कहा जाता है मियांडर. अब इस मिया में अगर आप देखो जब वाटर आउटर साइड में जाएगा ना तो यहां तो अपनी फोर्स लगाएगा पानी बाहर की तरफ जा रहा है तो इरोड करेगा तो यहां से तो मिट्टी को वो इरोड करता रहता है और जैसे ही इनर वाला जो साइड है जहां फोर्स नहीं लग रहा पानी का यहां वो डिपॉजिट करता चलेगा सेडिमेंट्स को तो ये कौन सी साइड कहलाएगी कॉनकेव कॉनकेव क्या होता है जहां वो ये वाली साइड कॉनकेव साइड कहलाती है तो कॉन्केव साइड पे तो इरोजन हो रहा है और कॉन्वेक्स साइड पे डिपोजिशन हो रहा है इसको कॉन्वेक्स साइड कहते हैं जहां डिपोजिशन हो रहा होता है ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कोई देगा तो दे सकते हैं सो so, जहां इरोजन होता है उस साइड को क्या कहते हैं कॉन्वेक्स साइड जहां डिपोजिशन हो रहा होता है देखो अंदर की साइड कौन सी है कॉन्वेक्स साइड तो हर बार ऐसे ही होगा ये बाहर की साइड है यहां इरोड होगा ये अंदर की साइड डिपोजिशन फिर ये इरोजन फिर ये डिपोजिशन ये इरोजन यहां डिपोजिशन इसी इरोजन और डिपोजिशन के चलते ये मियांडर्स बनते हैं गॉट इट

सके उसको कहीं ना कहीं ठीक है चलिए ऑक्सबोलेक्स ऑक्सबोलेक्स हमेशा मियांडर्स से ही एसोसिएटेड होते हैं बिकॉज जब मियांडर्स बनते हैं ना वही रिजल्ट करते हैं ऑक्सबोलेक्स में अब देखो मियांडर बन रहे थे इस तरह से है ना ये मियांडर्स बन रहे थे अब यहां यहां पे नदी डिपॉजिट कर रही है ये सॉरी रुको यहां नहीं दिख पाएगा ढंग से एक सेकेंड ये आपकी रिवर आ रही थी है <laughs> ना ये आ रही है आपकी रिवर राइट सो तो अब ये वाली साइड पे तो उसने इरोड किया ये वाली साइड पे उसने डिपॉजिट किया इसी तरह से अब यहां पे अगर आप देखोगे यहां तो वो इरोड करेगी यहाँ डिपॉजिट करेगी है ना तो अब क्या होगा धीरे धीरे, धीरे जब यहां डिपोजिशन बढ़ता जाएगा और यहां इरोजन बढ़ता जा रहा है यहां क्या बढ़ता जा रहा है इरोजन बढ़ता जा रहा है तो इरोजन जा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है यानी ये नदी पास में आती जा रही है ये जो मियांडर्स पहले इतनी दूर दूर थे अब वो पास पास होना शुरू हो जाएंगे वाई बिकॉज ये जो इरोजन है ये और अंदर तक होना शुरू हो जाएगा राइट right? एक ऐसा मौका आएगा जब ये जुड़ जाएगी और ये एक यू शेप को काट देगी अलग पहले मियांडर्स इतने थे अब मियांडर्स इतने हुए और फिर वो मियांडर्स ये वाले हिस्से को छोड़ दिया उन्होंने और आगे निकल गए ये जुड़ गया आपस में और ये वाला हिस्सा अलग छूट गया बिकॉज ये कट ऑफ हो गया यहां से ठीक है और उससे क्या बना एक सी शेप का या आर्क शेप का या जो हॉर्स शू शेप होता है उस तरह का एक लेक या वॉटर बॉडी बन गया जिसको हम ऑक्स बो लेक बोलते हैं घोड़े का खुर या ऑक्स का जो नीचे नाल होती है ना, उसका ऐसा ही शेप होता है ना इस तरह का उस तरह की हो जाती है राइट अब इसमें रियल लाइफ इमेज भी मैंने डाली है बिकॉज आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ये देखो एक मिया रिवर है और ये एक हिस्सा छोड़ चुकी है और ये है ऑक्सबो लेक तो अब पढ़ लो ऑक्सबो लेक एक यू शेप लेक या पूल होता है जो कि एक वाइड मियांडर से कट ऑफ हो चुका है और अब एक फ्री स्टैंडिंग शैलो ज्यादा पानी नहीं होगा शेलो वाटर बॉडी की तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है ठीक है चलिए अब लास्ट आते हैं लेक और पौंड लेक बोला तो क्या है लेक और क्या है पौंड क्या फर्क है दोनों में है ना झील और तालाब तालाब छोटा हो सकता है पौंड तो आप अपने घर में आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हो लेक नेचुरल ही होगी लेक भी आर्टिफिशियल होती है होती है बिल्कुल होती है मैनमेड लेक्स भी होती हैं लेकिन मेन डिफरेंस क्या है पौंड छोटा होता है पौंड शैलो होता है बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती पौंड की जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है छोटा सा पौंड लिया मेंढक मेंढ़क रह लेंगे थोड़ी छोटी फिशेज रह लेंगी सनलाइट बिल्कुल नीचे तक पेनिट्रेट करती है बिकॉज बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होती इसलिए नीचे का जो पानी होगा ना और जो सर्फेस का वाटर है उसका सेम टेम्परेचर होगा है ना और बिल्कुल नीचे तक सनलाइट पेनिट्रेट करेगी एरिया बहुत ज्यादा नहीं होगा डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होगी इसलिए इसलिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी वहीं अगर हम लेक की बात करें नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों हो सकती है लेकिन बड़ी होगी कंपेरेटिवली पॉन्ड से डेप्थ ज्यादा होगी कंपेरेटिवली टॉप लेवल पे जो बॉडी का सरफेस टेम्परेचर है और जो डेप्थ होगी उसके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा बिकॉज कई डेप्थ तक वाटर बॉडी के सनलाइट पेनेट्रेट ही नहीं कर पा रही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी बहुत होगी ठीक है तो ये सारे मेजर डिफरेंस होते हैं लेक और पॉन्ड में देख लो पहले छोटू सा डायग्राम देखो बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी पर मैं बता देती हूँ ये है पॉन्ड यह है लेक पॉन्ड शैलो है यानी उथला है सनलाइट बॉटम तक पहुँच जाती है टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है वही शैलो है

के सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो वाटर बॉडी से जुड़े हुए थे जो मुझे लगता है कि आपको पता होने ही होने चाहिए थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं लेक्चर डेफिनेटली बड़ा हुआ है पर वर्थ इट है अगर कोई चीज पढ़ रहे हो और ढंग से नहीं पढ़ी तो क्या ही पढ़ी क्यों ही पढ़ी नहीं पढ़ते फिर तो है ना चलिए जाते जाते बता देती हूँ कि क्योंकि मैंने आपको बताया था कोर्सेज भी अवेलेबल हैं तो एक ही कोर्स है पर वो मल्टीपर्पज कोर्स है इसको नाम हमने एस एस सी एग्जाम के हिसाब से दिया हुआ है लेकिन अब क्योंकि टीयर वन टीयर टू दोनों में जी के आती है एस एस सी में कोई भी अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम भी दे रहे हो ना तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है बिकॉज काफी डेप्थ में इसमें हमने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री ज्योग्रफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस और स्टैटिक जी के तो ये पूरा एक कंसोलिडेटेड कोर्स है जी ए कोर्स और उसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पर भी लिया जा सकता है सो इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट कोर्सेज एंड अदर सब्सक्रिप्शन तो उसके लिए आप परचम ऐप पे चले जाइए रिचार्ड टेन कोड लगा लेंगे तो इन सारे कोर्सेज टेस्ट सीरीज वगैरह में इंस्टेंट टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा नहीं तो आप चेक कीजिए काफी सारे ऑफर्स एंड सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर्स डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं ज्यादा कुछ भी डिटेल चाहिए कोई भी डाउट हो तो परचम क्लासेज जीरो द टीम विल भी हैप्पी टू हेल्प यू ठीक है आई रियली होप जो भी कुछ आज पढ़ा है सब समझ में आ गया होगा डू लीव योर कॉमेंट कोई भी अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो भी बताइए कोई फीडबैक है तो भी दीजिए कोई एग्जाम में हेल्प मिल रही है तो भी बताइए सो बेसिकली यही एक जरिया जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं योर कॉमेंट्स योर चैट्स इन दी परचम ऐप जितने भी सोशल हैंडल्स हैं परचम अंडर स्कोर क्लासेस परचम क्लासेस का हैंडल uh, है रिचा शर्मा टू थ्री टू फाइव मेरा पर्सनल इंस्टा हैंडल है उसके अलावा मेल आप करिए सो टेलीग्राम so, से आप जुड़िए डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं We'll be happy to help you if you are ready to help yourself. Take good care of yourself until we meet next. Bye bye.